सौ आंखों वाले दैत्य की ताकत इतनी मजबूत है कि पूरी छिपी हुई घाटी भी सिकुड़ती रक्षा को अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाती है। यहाँ तक अगर शीर्ष 10 भगवान राजा स्तर के विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से आते हैं तो वे इसे अकेले नहीं कर सकते। अब 100 आंखों वाले दैत्य ने एक व्यक्ति की ताकत से ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है जिसे अर्ध सम्राट की ताकत से देखा जा सकता है। यहाँ तक शीर्ष 10 दिव्य राजाओं के स्तर में प्रवेश करने वाले वैरागी राजा ने भी इस समय अपना चेहरा थोड़ा बदल लिया है। वह बहुत शक्तिशाली है। इस समय अचानक छिपी हुई घाटी की गहराई से एक और शक्तिशाली सांस आई। यह सांस अचानक छिपी हुई घाटी की गहराइयों से उछली, एक विशाल लहर का निर्माण करते हुए सीधे 100 आंखों वाले विशाल की दिशा में बह गई। 100 आंखों वाले विशाल ने यह सब बिखेर दिया और हवा की लहरों ने उसके बालों को बिखेर दिया। उसने अपने चेहरे पर आंखें खोली, उसकी आंखें ठंडी थी और उसका पैर सीधे गिर गया। शेंग शेंग ने यंगू के एक टुकड़े को कुचल दिया। यदि यह सरनी की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि यह मौके पर ही टूट जाएगा। क्या आप एक हताश कोने में लड़ना चाहते हैं? जब मैं लड़ता हूँ तो यहाँ कोई जीवित लोग नहीं होंगे। अब आप पकड़े गए हैं और हमारे स्वर्गीय परिवार में शरण लेने का मौका है। सभी दिशाओं में हिंसक दंगे हो रहे हैं, मानो स्वर्ग और पृथ्वी सनसनी पैदा कर रहे हों और कई त्यानजू जयकार कर रहे हों, मानो 100 वाला विशाल अजेय होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि छिपी हुई घाटी कितनी मजबूत है, वह 100 आंखों वाले विशाल के हमले का विरोध नहीं कर सकती। हाँ, जल्दी से सरेंडर कर दो, शायद आप अपनी जान बचा सकते हैं, नहीं तो एक बार मारने के बाद तुम मर जाओगे। यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो छिपी हुई घाटी अब से अतीत की बात होगी। यदि आप छिपी हुई घाटी को लड़ने नहीं दे सकते हैं तो ये स्वर्गीय परिवार विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हैं। कारण बहुत सरल है, हिडन वैली एक ऐसा किंग सीलिंग संप्रदाय है। यहाँ तक अगर वे 100 आंखों वाले दिग्गजों के हमले को रोक नहीं सकते हैं तो उनके मरने से पहले का पलटवार उन्हें बहुत कुछ खोने के लिए काफी है। कोई उनमें से एक नहीं बनना चाहता। स्वाभाविक रूप से यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे दुनिया को दे दें, वह तो सबसे अच्छा है। 100 आंखों वाले दैत्य की आंखों में ऐसा कोई विश्राम नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी सांस को महसूस किया था जिसकी तुलना लगभग अर्ध सम्राट से की जा सकती थी। यह कहा जाना चाहिए कि विशाल सांस अर्ध सम्राट के बराबर थी और स्तर पर उसने अंतिम परिवर्तन पूरा नहीं किया। इस वजह से हालांकि वह डरता था, उसने तुजीवेन को दिल पर नहीं लिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये जीवेन ने यह कैसे किया, परमेश्वर राजा आखिरकार परमेश्वर राजा ही था। केंद्रीय स्वर्गीय राजा को मारने का मतलब यह नहीं है कि वह संभावित सम्राट से निपट सकता है। उनका यह भरोसा अब भी कायम है। एक आकृति छिपी हुई घाटी की गहराई से धीरे धीरे बाहर आई, एक हरे रंग की शर्ट पहने और हवा के साथ फड़फड़ाती हुई, लेकिन यह तुजीवेन नहीं थी। कौन था ये जीवेन? लगभग शून्य में पिघल गई। अगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली तो वह शायद ही अपने अस्तित्व को महसूस कर सके और युआन भगवान की धारणा से गायब हो गया। त्यानजू के सभी लोग बहुत डरे हुए महसूस कर रहे थे। भले ही ब्रह्मांड में उनके मूल देवता एक दूसरे से बहुत दूर हों, वे इसे झाड़ सकते हैं। इसे झाड़ना संभव नहीं है। ऐसा हुआ कि उन्होंने ये क्षिवेन में अपनी भूमिका पूरी तरह से खो दी। ये जीवेन को हमेशा के लिए नहीं देखा जा सकता है। हम केवल अपनी आंखों का उपयोग निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। हर कोई रोमांचित था, उनके हृदयों में वास्तव में एक वास्तविक भय था। केवल एक संभावना है, ये जीवेन पूरी तरह फिट हो गए और एक साथ एकीकृत हो गए, जो उन्हें अपने देवताओं के साथ ये जीवेन को बंद करने में पूरी तरह से असमर्थ बना सकता है। खासकर युद्ध में यह स्थिति बहुत घातक होती है। कई बार लड़ाई बहुत तेज होती है। यह एक पल में हजारों बार लड़ा गया है जिसे अकेले नग्न आंखों से देखा जा सकता है। कई बार आप संभल नहीं पाते। युआन गॉड को लॉक करने के बाद ही आप उस क्रिया को जारी रख सकते हैं। यदि आप युआन भगवान को भी बंद नहीं कर सकते हैं तो सब कुछ अंधा हो जाएगा। जैसे ही यह प्रतिभा प्रकट हुई, इसने त्यानजू के लोगों पर बहुत दबाव डाला। विशेष रूप से त्यानजू के विस्वामी जो कुछ दिनों पहले भाग गए थे, उन्हें अचानक याद आया कि कैसे तुजीवेन ने उनकी पूरी सेना को हरा दिया था। यहाँ तक कि केंद्रीय स्वर्गीय राजा, जिसे वे आध्यात्मिक स्तंभ मानते थे, को पूरी तरह से पकड़ लिया गया और ये जीवेन के आक्रमण के तहत एक मिनट में ही मार दिया गया, लगभग वापस लड़ने की शक्ति के बिना। वे उस भयानक मंजर को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तुजीवेन से उनके बचने को केवल सौभाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब ये क्षिवेन का उद्भव उन्हें मूल के डरावनेपन को फिर से जीवंत करता है। अब एकमात्र आराम यह है कि उनके पास अभी भी 100 आंखों वाले विशाल के रूप में एक अजेय गुरु है, जो कि ये जीवेन को पूरी तरह से हराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर 100 आंखों वाला दैत्य ये जीवेन को हरा देता है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। क्या आप बाहर आए और इसे पकड़ लिया? परिचय के बिना भी 100 आंखों वाले दैत्य ने ये जीवेन द्वारा छोड़ी गई सांसों से आसानी से अनुमान लगाया कि यह ये जीवेन होना चाहिए। इतनी ताकत वाला दूसरा व्यक्ति छिपी हुई घाटी में नहीं हो सकता।
अन्यथा उसने जो अग्रणी सेना भेजी थी उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। जो अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं और अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। यिज़ीबेल ने उपहास किया, तुम जैसे लोग मुझसे बात करने के लायक नहीं है। 100 आंखों वाले दैत्य का चेहरा थोड़ा बदल गया, जो उसके दिल में सबसे दुखी जगह थी। वह स्वर्गीय परिवार द्वारा मोहित और पतित था, लेकिन 100 आंखों वाला विशाल परिवार अभी भी उसके दिल में एक अछूत जगह थी। मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 100 आंखों वाले विशाल ने उपहास किया और उसका चेहरा बेहद क्रूर था। एक क्षण में एक हाथ से ताली बज उठी, पहाड़ और नदियां ढह गईं और सूरज, चांद और तारे पकौड़ी की तरह नीचे गिर गए। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति से कहीं बेहतर है जो अभी अभी एक अर्ध सम्राट बन गया है। अनगिनत साल पहले ही उन्होंने इस कदम पर कदम रखा है। अगर ताकत की बात आती है तो मुझे डर है कि वह हरे शैतान से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऊपर और नीचे छिपी हुई घाटी सदमे में है, यह जारी है, कैसे लड़ें? लड़ने की कोई संभावना नहीं है। इस समय यिज़ीबेल ने आखिरकार एक चाल चली। जैसे ही उसने एक चाल चली, उसकी मुट्ठी की ताकत एक विशाल लहर की तरह बह गई, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की प्रतिध्वनि जगा दी। भगवान के करोड़ों सूत्र फूट पड़े और इस 100 नेत्रों वाले दैत्य से टकरा गए। बूम! जोरदार टक्कर से चौंकाने वाली आवाज हुई। जिस जगह पर दोनों लड़े थे, उस जगह को कोर के रूप में लेते हुए वे सभी दिशाओं में वापस लुढ़क गए और एक चौंकाने वाली आवाज निकाली। इस अंतहीन टक्कर में, इससे पहले कि वे जीत या हार देख पाते, उन्होंने देखा कि 100 आंखों वाले विशाल ने एक पल में एक कदम उठाया, अप्रत्याशित रूप से बाहर निकल गया, विस्फोट के बाद की लहर से बाहर निकल गया और ये की दिशा में थप्पड़ मार दिया यिज़ीबेल। यह झटका एक शुद्ध शारीरिक झाड़ू नहीं था, बल्कि उसका एवेन्यू ले लिया और बह गया। हत्या का इरादा ज्वार की तरह था। यह मुख्य रूप से यिज़ीबेल के लिए लक्षित था और उसे डराना चाहता था। हालांकि छिपी हुई घाटी मुख्य दिशा नहीं है, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि काटने का इरादा वास्तव में उन्हें समझता है कि एक अजेय अर्ध सम्राट कितना भयानक होगा। हड्डी से ठंडक का एहसास हुआ। इस समय जानलेवा आत्मा ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और सभी को व्याकुल कर दिया। और तो और, हर कोई समझ गया कि इस बार 100 आंखों वाला दैत्य पूरी तरह से क्रोधित हो गया था और वह यिज़ीबेल को पूरी छिपी हुई घाटी को मारने का एक और मौका नहीं देना चाहता था। यिज़ीबेल एक पहाड़ की चोटी पर छिपी हुई घाटी में खड़े होकर एक असली सम्राट की तरह जीवन में वापस आ रहे थे, दुनिया को देख रहे थे। उसका पूरा व्यक्तित्व जैसे पूरी तरह से गायब हो गया, पूरी तरह से शून्य में गायब हो गया, एक खाली स्थिति। हालांकि ऐसी स्थिति सिर्फ पलक झपकने की थी। जब पूरी छिपी हुई घाटी इसे सहन करने में असमर्थ लग रही थी, तो अंत में यिज़ीबेल ने एक चाल चली। कियांग, एक शक्तिशाली तलवार की हुई उसके हाथ में उठी और उसे काट दिया। यह एक सुनहरे पहाड़ की तरह था जिसे मौके पर ही खींच लिया गया और फिर सीधे काट दिया गया। यह बिल्कुल तलवार की तरह नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि एक प्राचीन पवित्र पर्वत अराजकता को तोड़ते हुए नीचे गिर गया और अचानक 100 आंखों वाले विशाल का इसे टकरा गया। यह एक और आश्चर्यजनक टक्कर है। इस तरह का आक्रमण बस तेजी से टकराया और फिर 100 आंखों वाला विशाल एक शिवेन के पास पहुंचा। अभी अभी किए गए सारे अपराध सिर्फ एक शिवेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए थे, लेकिन अब यह असली हत्या की चाल है। एक पंच ने एक शिवेन पर बमबारी की। इस समय वह वास्तव में दिखाता है कि टाइटन की भयानक भौतिक खेती अजेय और बेजोड़ है। इस झटके से झरने की तरह हवा और गरज निकली। यह आश्चर्यजनक था और वास्तव में एक बड़ा खतरा था। बुरा, खतरनाक। छिपे हुए राजा ने तुरंत इस हमले के आतंकवादी खतरे को महसूस किया और चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 100 आंखों वाले दैत्य ने एक शिवेन को धोखा दिया था। भले ही उसने धर्म शरीर वापस ले लिया हो, उसका शरीर एक वयस्क और एक छोटे बच्चे की तरह यिज़ीबेल से कहीं बड़ा था। टकराना, एक अद्भुत टक्कर के साथ यिज़ीबेल ने एक थप्पड़ लिया और 100 आंखों वाले विशाल को मारा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को नहीं दिया। ऐसा कोई भी दृश्य नहीं था जिसमें यिज़ीबेल को उड़ा दिया गया हो, जैसा कि शुरुआत में सभी ने सोचा था। कोष्टक डॉट डॉट। इसके विपरीत सुनहरे रक्त का एक तार फूट पड़ा। यह किसी और का नहीं, बल्कि 100 आंखों वाला विशालकाय था। उसकी विशाल हथेली पर एक विशाल रक्त नाली दिखाई दी और उसमें से रक्त के छींटे निकले। लड़ाई के समय यिज़ीबेल की तलवार के इरादे से 100 आंखों वाले विशाल की हथेली खुली हुई थी और हड्डी गहराई से दिखाई दे रही थी। खून नहीं रुक सका, वह छींटे मारकर वापस नदी में जा गिरी। यह कैसे संभव है? लोग बेहद हैरान थे, विशेष रूप से स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञ, जो लगभग मौत से डर गए थे। वे मांस के स्थान पर 100 आंखों वाले दानव से लड़े और उन्होंने उसे पराजित नहीं किया, बल्कि एक झटके में 100 आंखों वाले दानव को चोट पहुंचाई, जो निसंदेह सबसे दुखशीतन बात है। कई कदम पीछे हटने के बाद 100 आंखों वाले विशाल ने अनिच्छा से अपने शरीर के आकार को रोक दिया। अभी अभी वह शुद्ध मांस के साथ लड़े और उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उसे भी एक शिवेन ने चोट पहुंचाई थी।
उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना येजीवेन एक सांस में दहाड़ता है और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई देती है जो सीधे आकाश में एक सुनहरी लहर को चीरती है। एक पल में यह एक प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह 100 आंखों वाले विशाल के सामने पहुंच गया था। तलवार की लहर शून्य में बदल गई थी और अराजकता और धुंध से घिरी हुई थी। 100 आंखों वाले विशाल की आंखों में अचानक हवा और गरज का एक सा झोंका आया। उसने अपने हाथ पर लगे घाव को भी नजरअंदाज कर दिया और उसे शून्य की ओर ले गया। अनगिनत हवा और गड़गड़ाहट एक कांस्य भाले में संघनित होती है जो एक अद्वितीय कलाकृति भी है। इस कांस्य भाले ने पूरी आकाशगंगा को हिलाते हुए अंतहीन तूफानी तूफान भेजे। कब यह एक और चौंकाने वाली टक्कर थी। तलवार और भाले की नोक की हवा और गड़गड़ाहट सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को शहर में गिरा देती है। तेज धार उजागर हो जाती है और दूरी में तारे बहुत कंपन करते हैं। लोग दंग रह गए। दोनों पक्षों ने ताकत दिखाने के बाद सत्ता बेताब हो गई। भावी सम्राट की शक्ति एक राजा सीलिंग संप्रदाय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। हालांकि इस तरह का आक्रामक सिर्फ एक प्रस्तावना थी। लगभग स्पर्श के क्षण में येजीवेन ने आक्रामक को बदल दिया, आकाश और भारत को बदल दिया जैसे कि वह दुनिया को चारों ओर घुमाना चाहता था, और फिर मौके पर ही उसकी तस्वीर खींच ली। बूम! देखने वालों की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने एक मुके से विस्फोट किया, उसकी बांह पर सभी आंखें खुल गईं और अनगिनत सुनहरे आंचल खुल गए। यह और भी भयानक था और दुनिया हिंसक रूप से हिलने लगी। टकराना! विशाल टक्कर की आवाज दुनिया को दहाड़ती है। दूरी में दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के दिल उछलते हैं। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनमें दोनों पक्षों को महारत हासिल है। वे सुपर प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ हैं। जैसे ही वे लड़ते हैं, आकाश और पृथ्वी का रंग बदल जाता है, सूर्य और चंद्रमा गायब हो जाते हैं और पूरी आकाशगंगा अपनी चमक खो देती है। चलन के अनुसार येजीवेन के 6 संसार मुँह के बरस गए। रूपांतरण मधुर, थोड़ी सी कस्यालेपन के साथ एक पल में बमबारी कर दिया। 6 पहिया डिस्क लगातार घूम रहे हैं, 10 स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहे हैं। बूम! 100 आंखों वाले दैत्य का चेहरा पहली बार बहुत गरिमापूर्ण दिखा। उसके शरीर की हर आंख से छलकते हुए अंतहीन सुनहरे छींटे फूट पड़े। विकास ने अंतहीन सड़कें बनाई हैं। यह दृश्य अत्यंत भयानक है, जैसे संसार में कोई दैत्य देव हो। टकराना, 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 यह एक दुखद लड़ाई है। दोनों पक्ष अर्ध सम्राट स्तर की युद्ध प्रभावशीलता है। वे दोनों गेस्टापो जादू में निपुण है जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सुई की नोक से पल भर में हजारों परिवर्तन हो जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन सबसे भयंकर टकराव सीखेगा। कब, 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 अंत में दोनों पक्ष सुनहरी रोशनी से ढके हुए थे, जैसे दो धातु रोबोट आपस में टकरा रहे थे और धातु के टकराने की आवाज शून्य से आई थी। ऐसा लगता है कि इस तरह की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, खासकर दोनों पक्षों के विशेषज्ञ दो लोगों के बीच लड़ाई के माध्यम से नहीं देख सकते। केवल वे ही सबसे अधिक स्पष्ट हैं। बस जब सभी ने सोचा कि यह स्टेशन अनगिनत वर्षों तक चलेगा, अचानक एक बड़ी टक्कर की आवाज आई। हालांकि भारी ट्रक ने देखा कि येजीवेन ने तलवार से 100 आंखों वाले विशाल को सीधे छेद दिया। उसके हाथ में लंबी तलवार सैकड़ों मील तक फैली हुई थी, मानो वह आकाश को भेदने जा रहा हो। एक पल में उसने 100 आंखों वाले विशाल को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। लंबी तलवार बिना किसी बाधा के 100 नेत्रों वाले दैत्य के शरीर में कट गई। 100 आंखों वाला विशाल दहाड़ता है और उसके पूरे शरीर पर एक विशाल सुनहरा आभा फूट पड़ता है। शेंग शेंग ने तलवार को जकड़ लिया और फिर पीछे हट गया। उसने अपनी आंखें खोली और अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आमने सामने की लड़ाई में वह एक साधारण इंसान से हार गया और शारीरिक लड़ाई बिल्कुल भी हावी नहीं रही। खून बहता रहा और नदी बन गया। उसका शरीर एक सुनहरी धुंध उगल रहा था जिसने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया था और घाव थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा था। यह टाइटंस का सर्वोच्च रहस्य है, सर्वोच्च चिकित्सा रहस्य है। एक शक्तिशाली जातीय समूह के रूप में टाइटंस का उत्थान भी प्रसिद्ध था, लेकिन येजीवेन उसे इतना आराम का समय बिल्कुल नहीं देगी। मारना! इस समय येजीवेन ने दहाड़ दी और उसके पूरे शरीर से एक प्रकार का अद्भुत रक्त निकला। रक्त के समुद्र की तरह उसने थोड़ा सा कदम उठाया और पूरा ब्रह्मांड हिल गया। वह नरक से आए राक्षस भगवान की तरह था जो असीम आतंक था। मेरे लिए मरो! येजीवेन की 6 संसार मूर्ति की ताकत एक पल में बह गई। इस समय वह 6 संसार के भगवान की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी संसार का नेतृत्व कर रहा था, और उसने 100 आंखों वाले दैत्य पर बमबारी की। 100 आंखों वाला विशाल लड़ा और पीछे हट गया, और एक पल में सैकड़ों हजारों मील पीछे हट गया। वह इस समय ठीक हो रहा था। वो येक्षिवेन के साथ बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था। जब तक वो ठीक हुआ, येक्षिवेन से निपटने का हमेशा एक तरीका था। लेकिन येजीवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकते थे? उसके पीछे शैतान के पंख अचानक खुल गए और पूरा व्यक्ति अपने पंखों को फैलाते हुए एक सुनहरी पेन की तरह था और अचानक नीचे गिर गया। 6 संसार की मूर्ति सीधे 100 आंखों वाले विशाल पर लगी। गर्जन!
सौनेत्रों वाले दैत्य ने पशु के समान गर्जना की। उसकी आंखें भयंकर और चमकदार थी और उसने यक्षिवेन का विरोध करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन यह बिल्कुल काम नहीं आया। जब तुजिवेन ने गोली मारी तो उसने खोला और बंद किया। वह पूरी तरह से आराम कर चुका था। छह पुनर्जन्म मुट्ठी नीचे गिर गई और मुट्ठी को खून की जरूरत थी। प्रत्येक मुट्ठी ने 100 आंखों वाले विशाल पर एक बड़ी रक्त धुंध उड़ा दी, जो सीधे मुट्ठी की शक्ति से रक्त धुंध में वाष्पित हो गई। रक्त के छींटे लगातार फूट रहे थे। दसियों मील लंबे छींटे पूरे आकाश को एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह काट रहे थे। यक्षिवेन ने पूरे दृश्य पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। उन्होंने पूरी तरह से ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया है। यह ऐसा है जैसे उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ विश्वास नहीं कर सकते कि यक्षिवेन पूरी तरह से जीत सकते हैं। वैसे भी दूसरी पार्टी एक वास्तविक अर्ध सम्राट है। यह तुजिवेन की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। अर्ध सम्राट की तुलना में मुकाबला प्रभावशीलता केवल तुलनीय है। वास्तव में अर्ध सम्राट से युद्ध करना असंभव है। हालांकि यक्षिवेन ने इस संभावना को पलट दिया, जिसने लोगों को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दिया। आह यक्षिवेन, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। इस समय 100 आंखों वाले विशाल को यक्षिवेन द्वारा चरम सीमा तक मजबूर किया गया है और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। वह अपने दिल में बेहद उत्पीड़ित था। वह एक अजेय अर्ध सम्राट था। उसे कब इस बात के लिए एक राजा ने मजबूर किया था, यहाँ तक कि शीर्ष राजा ने भी नहीं। कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा और चेहरा खो देगा। एक तेज गर्जना के साथ उसके पूरे शरीर की आंखें खुल गईं। इस बार उसने एक या कई आंखें नहीं खोली, बल्कि सभी आंखें खोली, खासकर वह जो उसकी बाहों के बीच में थी। यहाँ तक जब यक्षिवेन के साथ लड़ाई सबसे तीव्र थी, उसने इसे कभी नहीं खोला। वह आंख उसका आखिरी कार्ड थी। जीवन और मृत्यु के किनारे पर पहुंचने से पहले वह इसे कभी नहीं खोलेगा। जाहिर है इस बिंदु पर उसने सोचा कि वह वास्तव में सबसे खतरनाक समय पर पहुंच गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभूतपूर्व है कि सैकड़ों आंखें एक साथ खुलती हैं। 100 नेत्रों वाला दैत्य सैकड़ों नेत्रों के साथ जन्म लेता है। ये सैकड़ों आंखें उनकी सबसे महत्वपूर्ण जादुई शक्तियां हैं। यह सिर्फ इतना है कि सामान्य समय में मजबूत दुश्मनों को हराने के लिए उनमें से केवल एक या दो को खोलने की जरूरत होती है। उनमें से आधे को खोलना अन्य विशेषज्ञों को हराने के लिए पर्याप्त है जो अर्ध सम्राट हैं। अब तक उसे अपनी सारी आंखें खोलने के लिए मजबूर करने वाला कोई अस्तित्व नहीं रहा है। और हर बार जब ये आंखें खुलती हैं, यह एक निश्चित स्रोत लेती है। उन्हें एक एक करके खोलना कुछ भी नहीं है। यदि आप एक समय में सैकड़ों आंखें खोलना चाहते हैं तो स्रोत पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह न केवल बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने का एक तरीका है, बल्कि एक ऐसी ट्रिक भी है जिसे आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल करने पर यह खुद को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी तक वह ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन उसे यक्षिवेन ने गुस्से से मजबूर कर दिया था। वह उसे एक सांस में पूरी तरह खत्म करना चाहता है। केवल इसी तरह से वह अपने हृदय में क्रोध की भावना को धो सकता है। बूम, उसकी प्रत्येक आंख असीम स्वर्ग की शक्ति से खुल गई। जब प्रत्येक आंख खुली तो कानून व्यापक थे और मौके पर ही प्रकट हो गए। सूर्य, चंद्रमा और तारे उसके चारों ओर घूम रहे थे, जैसे कि वह एक सफलता बना रहा हो। प्रत्येक आंख के खुलने से एक संसार का जन्म होता है और प्रत्येक आंख के बंद होने से एक संसार का विनाश होता है। यह भयानक है। उसकी ताकत बढ़ रही है। हर मिनट और हर सेकंड फूट रहा है। सांस लगातार बाहर निकल रही है और एक उन्माद पैदा हो रहा है। ब्रश, उनका विशाल फिगर एक पल में गायब हो गया। सभी ने स्वर्गीय नेत्र जादुई शक्ति को पूरी तरह से खोल दिया, लेकिन उन्होंने पाया कि वे 100 आंखों वाले दानव की आकृति को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। चलो भी, उसकी गति वास्तव में बहुत तेज है। जब 100 नेत्रों वाला दैत्य कार्य करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ उलट जाता है। सैकड़ों नेत्रों के खुलने के बाद 100 नेत्रों वाले दैत्यों का बल भी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। उनकी प्रत्येक आंख में 1,00,000 वर्षों का कौशल समाहित है, जो उनका निचला कार्ड है, लेकिन अब इसका उपयोग करना स्पष्ट रूप से आवश्यक है। इस समय हम इतनी देखभाल कहां कर सकते हैं? करोड़ों वर्षों की शक्ति एक क्षण में मुक्त हो गई। यह अकल्पनीय है कि यह शक्तिशाली है। टकराना, टक्कर की एक बड़ी आवाज थी और उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि 100 आंखों वाला विशाल अचानक यक्षिवेन के सामने आ गया। गति बहुत तेज थी। जब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यक्षिवेन ने एक पल में प्रतिक्रिया दी, मुक्का मारा और 100 आंखों वाले विशाल से मिले। दोनों पक्षों के बीच टक्कर से सदमे की लहर ने ध्वनि को भी नष्ट कर दिया, केवल एक बड़ा विस्फोट। तब लोगों ने भयानक सदमे की लहर को ऐसे देखा जैसे वे मूक फिल्में देख रहे हों और सब कुछ नष्ट कर दिया हो। तियांजू या यंगू द्वारा व्यवस्थित की गई व्यू रचना काम करने से पहले एक पल में लगभग नष्ट हो गई। दोनों पक्ष ऐसे थे जैसे दो विशाल ग्रह आपस में टकरा रहे हों। बिजली और गड़गड़ाहट और प्रज्वलित प्रकाश एक पल में फट गया, पूरे आकाश को हिलाकर रख दिया। हर कोई रोमांचित था।
इस झटके ने उन्हें पसीने से लथपथ कर दिया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। दो लोग वर्चस्व के लिए संघर्ष करते हैं। दोनों पक्ष यह नहीं देख सकते कि कैसे जीतें या हारें। वह स्तर उस दायरे को पार कर गया है जिसका वे न्याय कर सकते हैं। सौ नेत्रों वाले दैत्य की सभी आंखें खुल गईं, एक भयानक रोशनी से खिल उठी। वे मजबूत और मजबूत होते गए। एक हिट विफल रही और अधिक कौशल वितरित किए गए। ब्रह्मांड उल्टा हो जाता है। सैकड़ों आंखें खुली होने के साथ सौ आंखों वाले विशाल ने एक अभूतपूर्व गुप्त कौशल दिखाया जो कि पूरी दुनिया को अतीत में शामिल करने के लिए लग रहा था और फिर नीचे गिर गया। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को शरीर में समाहित करने और फिर उस पर बमबारी करने के लिए है। इस भयानक शक्ति को धरती हिलाने के कौशल के सहारे की जरूरत है। यह वह शक्ति नहीं है जिसे साधारण लोग देख सकते हैं। यह गुप्त कौशल पूरे ब्रह्मांड को खर्च कर सकता है और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। तू जीवेन ने केवल महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसके चारों ओर टूट रही थी जो खुद को जिंदा तोड़ने वाली थी। हम यह बेकार है, ये जीवेन ने ठंडी सूंघी और उसका राक्षसी मन बह गया। बायां हाथ अर्थ अर्थ तलवार और दाहिना हाथ छह संसार बॉक्सिंग पर हावी है। ये जीवेन के हाथ में दो पूरी तरह से अलग मार्शल आर्ट में अजेय होने का प्रभाव है जो भयानक है। प्रत्येक स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, दोनों को एक साथ जोड़ने का उल्लेख नहीं करना। एक वार और एक तलवार के साथ तू जीवेन सीधे ब्रह्मांड को ढहाने की शक्ति में चली गई और टूट गई। कोई रास्ता निकालो। सौ आंखों वाला विशाल लगातार शक्तिशाली कौशल उगलता है। सैकड़ों आंखों में ब्रह्मांड का जन्म और मृत्यु और सड़क का विकास है। यह एक अत्यंत भयानक शक्ति है। यह एक संकेत है कि एवेन्यू की खेती बेहद भयानक स्तर तक की गई है। कब तक संघर्ष करोगे? ठंडी मुस्कान के साथ ये जीवेन सीधे अतीत में चली गई। सारे अपराध उस पर असर भी नहीं कर सके। उसके चारों ओर एक के बाद एक समय की शक्ति है। सब चीजें मिट जाती हैं। समय के आगे सब झूठ है। स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ झूठा है, केवल समय ही सत्य है। बूम, ये जीवेन की छह संसार मूर्ति ने सब कुछ नष्ट कर दिया। अप्रत्याशित रूप से शेंग शेंग ने एक चैनल के माध्यम से मुक्का मारा और सीधे सौ आंखों वाले विशाल के सामने वार कर दिया। अब जब आप जानते हैं कि मेरे हाथ में एक ताओवादी हथियार है और इतनी लापरवाही से आने की हिम्मत करता है तो मुझे लगता है कि आप बहुत बोल्ड हैं, ये जीवेन ने ठंडेपन से कहा। उसके पीछे शैतान के पंख फड़फड़ा रहे थे। एक पल में वे सौ आंखों वाले राक्षस के पास पहुंचे। सौ आंखों वाला राक्षस दहाड़ता रहा। ये जीवेन के प्रभाव को धीमा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जीवेन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकते थे? टकराना, एक चौंकाने वाला झटका, ये जीवेन की मूर्ति सीधे सौ आंखों वाले विशाल पर लगी। गर्जन, सौ आंखों वाला विशाल गर्जना और चिल्लाया और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया और उसकी छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। अंत में उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसे एहसास हो गया था कि वो वास्तव में ये जीवेन का विरोधी नहीं था। जैसा कि तू जीवेन ने कहा, अगर वह ताओवादी उपकरणों के बिना जल्दी में आया तो वह अभी भी बड़ा था और वह पूरी तरह से बड़ा था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि एक शिवन कितना शक्तिशाली था, लेकिन वह सिर्फ एक भगवान राजा था। अर्ध सम्राट में कदम रखने से पहले उन्होंने अर्ध सम्राट में कदम नहीं रखा। इस अंतर को भरने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने हिम्मत करके उसे आने के लिए कहा। यहाँ तक अगर ताओवादी हथियार होते तो एक देव राजा अपनी शक्ति कैसे खेल सकता था, इसलिए उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी। क्या एक अर्ध सम्राट के पास दाव उपकरण थे? भले ही वे केवल अधूरे दाव उपकरण थे, दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थी। उसी दायरे में दाव उपकरण धारण करने वाले लगभग अजेय थे। हालांकि केवल सम्राट ही दाववादी वाद्य यंत्रों का अभ्यास कर सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी में केवल कुछ ही सम्राट हैं। एक होना बिल्कुल असंभव है। हर किसी को दाववादी साधन के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन उसके पास नहीं है। अब जब उसने अंततः एक ताओवादी साधन के ठिकाने के बारे में सुना तो वह बिना हड़बड़ी में या यहाँ तक की स्थिति को जाने बिना यहाँ कैसे आ सकता है? यह उनके ज्ञान से संबंधित हो सकता है। वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह पाता। अब उसकी उत्सुकता की कीमत चुकाने का समय आ गया है। तो जीवेन जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह विरोधी नहीं है जिसे आसानी से जीता जा सके। अगर उसने अपनी आंखें खोली तब भी वह निष्क्रिय और बहुत नाजुक था। समय के वस्त्र के आशीर्वाद के तहत ये जीवेन उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। टकराना, तू जीवेन ने स्टार नदी के माध्यम से मुक्का मारा और उसकी मूर्ति की एक चमकदार छाया सौ आंखों वाले विशाल के लिए उड़ गई। जहां वह गुजरे पूरी स्टार नदी टूट गई और शानदार रोशनी से चिन्हित हो गई। सौ नेत्रों वाला दैत्य इसे बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं कर सका। उसकी छाती में एक बड़ा खून का छेद दिखाई दिया और खून बह निकला। आह, ये जीवेन, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। सौ आंखों वाले विशाल की आंखें खुल गईं और फिर एक धारा में बदल गई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और ये शिवेन की ओर गिर पड़ी।
विशाल ऊर्जा प्रवाह पूरे ब्रह्मांड को हिंसक रूप से हिला देता है। दूरी में कोई भी भयभीत नहीं है, ऐसा बल उनकी कल्पना से परे रहा है। हालांकि इस तरह के एक आक्रामक के सामने येजीवेन ने चकमा नहीं दिया बल्कि अपना हाथ उठाया। समय की शक्ति ने उनके हाथ को ढंक दिया और इस ऊर्जा को एक पल में तोड़ दिया। दियुआन उसके शरीर में जलता रहा जिससे समय की बागडोर बड़ी ताकत और अजेय के साथ फट गई। येजीवेन सीधे बाहर निकली और सीधे 100 आंखों वाले दानव पर प्रहार किया। उसने शून्य से एक अद्भुत तलवार पकड़ी और उसे वहीं काट दिया। टकराना, 100 आंखों वाले विशाल ने जल्दी से कांस्य भाला पकड़ लिया और येजीवेन के साथ लड़े, बमुश्किल आधे में कट जाने के भाग्य से अधिक। लेकिन उसी समय वह चिल्लाया और येजीवेन की पहाड़ को खींचने की शक्ति सीधे उस पर गिर गई। अगर वह मुश्किल से येजीवेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाता तो अब वह येजीवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से राजधानी खो चुका है। कांसे के भले को सीधे झटका लगा और वह बाहर निकल गया। न जाने कितने तारों को इसने छेदा। ऐसा नहीं है कि कांस्य भाला बहुत कमजोर है, लेकिन तूजीवेन की ताकत बहुत मजबूत है जो उसकी सीमा से अधिक हो गई है। 100 आंखों वाले दैत्य की हथेली मौके पर ही उड़कर खून की धुंध में बदल गई। गर्जन, 100 नेत्रों वाला दैत्य बार बार दहाड़ा और फिर पीछे हट गया। उसने इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। इस बार उन्हें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। जाना, ये शिवेन को फिर से मारते हुए देखकर स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञ आखिरकार शांत नहीं बैठ सके और ये शिवेन के पास दौड़े चले आए। एक संभावित सम्राट उनके सामने गिर पड़ा। वे इतना बड़ा अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि 100 आंखों वाला विशाल तियानजू का मूल निवासी नहीं है, जो कि अर्ध सम्राट के स्तर का विशेषज्ञ है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, अब तियानजू के शीर्ष नेताओं में से एक है। कौन ऐसी आकृति के पतन को अनदेखा करने का साहस करता है? घृणित, चलो उन लोगों को रोको। छिपे हुए राजा ने दहाड़ लगाई और छिपी घाटी के विशेषज्ञों के साथ दौड़ने वाले थे और अतीत को मारने के लिए दौड़े हुए तियानजू विशेषज्ञों को रोकने वाले थे। इस समय येजीवेन ने व्यंग्य किया और कहा, बड़े मार्शल भाई, चिंता मत करो, लेकिन कुछ जोकर हैं। येजीवेन के हाथ पर तलवार का इरादा घनीभूत होना शुरू हो गया और भयानक शक्तिशाली दिव्य अवन इंच दर इंच फट गया। उज्ज्वल दिव्य अवन हजारों धागों में बदल गया और आकाश पर उबल पड़ा। बूम, तलवार ने अचानक काट दिया और एक पल में आकाशगंगा को छेद दिया। ब्रह्मांड को एक बड़े छेद में छेद दिया गया था। हर जगह सब कुछ ढह गया और सर्वनाश हो गया। इस तलवार के नीचे सब कुछ अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया। आह, तियानजू के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक चीखें भेजी। उन्हें इस तलवार ने निगल लिया। उनका तनिक भी विरोध नहीं हुआ। वे सब नष्ट हो गए। वे सभी मर गए जब उनके पास एक भयानक चीख निकालने का समय था। तलवार अभी भी डाली गई थी। यह ब्रह्मांड की शून्यता की गहराई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरे रास्ते बह गया। मुझे नहीं पता कि कितने तारे तब तक नष्ट हो गए जब तक वे नग्न आंखों के लिए अदृश्य नहीं हो गए। आप अभी भी दूरी में आकाशगंगा की गहराई से अद्भुत विस्फोट प्रकाश देख सकते हैं। यह तलवार भयानक है। छिपे हुए राजा को बुदबुदाए बिना नहीं रह सका कि अपनी वर्तमान साधना के बावजूद वह अभी भी इस दृश्य को देखकर थोड़ा डरा हुआ था। यह वह शक्ति थी जिसने वास्तव में दिव्य राजा को पार कर लिया और तियानजू के अनगिनत विशेषज्ञों को केवल एक तलवार से नष्ट कर दिया। लेकिन इस समय, इस प्रहार के समय के साथ 100 आंखों वाले विशाल को भी सांस लेने का मौका मिल गया। उसका पूरा शरीर एक उल्का की तरह पूरे आकाश को चीरता हुआ और पागल होकर ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर भागा। येजीवेन द्वारा उन स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञों की हत्या का लाभ उठाते हुए 100 आंखों वाला विशाल ब्रह्मांड की गहराई तक भाग गया। हालांकि वे सभी उसके अधीनस्थ हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इस समय इन लोगों की परवाह नहीं कर सकता। बचना उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जहां तक दूसरों की बात है, वह उनकी बिल्कुल परवाह नहीं कर सकता। अब जाने के बारे में सोचना आपके लिए बहुत आसान है, येजीवेन ने उपहास किया। भले ही वह वीरों को मार रहा हो, येजीवेन उसे कभी नहीं भूले। एक पल में 100 आंखों वाला विशाल बिना किसी निशान के गायब हो गया। अर्ध सम्राट की गति ने अंतरिक्ष के स्तर को छू लिया है, जो उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि ये दिव्य राजा कल्पना कर सकते हैं। ब्रश, येजीवेन बाहर निकली और एक पल में 100 आंखों वाले दानव को पकड़ लिया। उसके शरीर पर येजीवेन द्वारा छोड़ा गया आध्यात्मिक निशान है। भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, तुम येजीवेन के पीछा से नहीं बच सकते। इस मुलाकात के दौरान 100 आंखों वाले विशाल ने न जाने कितनी दुनिया और अंतरिक्ष की परतों को पार कर लिया था। हालांकि उसे तुरंत येजीवेन ने ट्रैक कर लिया और एक पल में उसके पास उड़ गया। आह, यह कैसे हो सकता है? 100 आंखों वाले दैत्य ने येजीवेन को अपने पीछे आते देखा। वह लगभग मौत से डर गया था। उसे लगा कि वह भाग गया है। पलक झपकते ही उसे पता नहीं चला कि उसने कितनी दुनिया घूम ली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिर भी येजीवेन अभी भी एक प्रेतवादित आत्मा की तरह थी। उसने उसका पीछा किया और उसे जाने देने का मतलब नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है।
ये जिवेन ठंडेपन से मुस्कुराई, अब मैं तुम्हें अपनी शरण लेने का मौका दे सकती हूँ और यह स्पष्ट कर सकती हूँ कि वहाँ क्या स्थिति है। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आप सोच नहीं सकते, 100 आंखों वाले विशाल ने एक बड़ी दहाड़ दी और यक्षिवेन से पूरी तरह से नाराज हो गया। उनकी नजर में यह एक तरह का अपमान था। यक्षिवेन उसे अपमानित करना चाहती थी। ये जिवेन ठंडेपन से मुस्कुराए, ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में टोस्ट करते हो और पीते नहीं हो। गर्जन, 100 नेत्रों वाला दैत्य गर्जना करने लगा और उसके हाथों से अनंत प्रकाश छिटक गया। सैकड़ों आंखों से एक ही समय में अद्भुत रोशनी फूट पड़ी और ये जिवेन को मारने के लिए उसे जिंदा मार डाला। टकराना, ये जिवेन के हाथ बंधे हुए हैं। इसने आकाश को मोड़ने वाली मुहर बनाई, नीचे गिरी और सभी आक्रमणों को नष्ट कर दिया। फिर वह फिर से दहाड़ा, एक में तीन मुहरे, मेरे लिए मरो। आसमान को पलट दो, उल्टी मुहर, पहाड़ की सील को हिलाओ। एक में तीन मुहरे, ये तीन मुहरे गिर गईं, सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को पलट दिया और फिर सीधे नीचे गिर गईं। बूम, एक विशाल दहाड़, 100 आंखों वाला विशाल चिल्लाया। उसे जिंदा मार दिया गया था और शरीर को यक्षिवेन ने ले लिया था। उस समय इसका उपयोग दानव ध्वज को खिलाने के लिए किया जाएगा। 100 आंखों वाले दैत्य को मारने के बाद ये जिवेन नहीं रुका, तुरंत छिपी हुई घाटी में लौट आया। इस समय पूरी छिपी हुई घाटी उत्साह में थी। शेष त्यानजु बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। वे छिपे हुए घाटी विशेषज्ञों से घिरे हुए थे जो पूरी तरह उत्साहित थे। हम उन सबको मार डालेंगे। ये जिवेन ने पहले कहा था कि जो कोई भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है वह सम्राट के स्रोत को प्राप्त कर सकता है। आप ये जिवेन की मदद भी ले सकते हैं। यह प्रलोभन अत्यंत प्रबल कहा जा सकता है और कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता। इससे पहले 100 आंखों वाले दैत्य के अस्तित्व के कारण वे इसे करने का साहस नहीं करते थे। अब 100 आंखों वाला दानव भाग गया है और सबसे बड़ा खतरा टल गया है। वे इसे जल्दी कैसे नहीं कर सकते। ये जिवेन ने अभी सबसे कठिन समूह को मार गिराया है और अब बाकी वो है जिससे वे निपट सकते हैं। कुछ समय के लिए हर जगह मारकाट मच गई और खून एक नदी में बह गया। वे त्यांजू विशेषज्ञ जो मोलभाव करने आए थे और यंगू को लूटना चाहते थे मूर्ख थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अंत में इसमें विकसित होंगे। वह न केवल शिकारी है बल्कि शिकार भी है। वे बस इस समय बचना चाहते थे और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई दैवीय राजा जिन्हें अभी अभी पदोन्नत किया गया था, जैसे कि छिपे हुए राजा, ने एक के बाद एक गोली मारी और एक ही बार में अपना सारा पीछे हटना बंद कर दिया। अगर वे बचना चाहते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी बाकी का अभियान 10 दिन और रात तक चला, इससे पहले कि उन्होंने अंत में तियान परिवार के सभी उग्र विशेषज्ञों को फांसी दे दी जो जानते थे कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह लगभग कहा जा सकता है कि सभी के पास फसल है। बहुत से लोगों ने बहुत सारा क्रेडिट जमा कर लिया है और ये कजिवेन को दीवान से बदल सकते हैं। तू श्वान परवाह नहीं है। वैसे भी उसके पास अभी भी बहुत सारे दीवान हैं। एक टुकड़े को दो टुकड़ों में बदलने की कोई बात नहीं है। दूसरे जो उपयोग करते हैं वह उतना भयानक नहीं है जितना वह उपभोग करता है। दीवान की तुलना में जो अपने टाइम गाउन को खुद चलाता है, यह दुर्लभ है। जैसे ही ये जिवेन वापस आए, उन्होंने छिपे हुए राजा और अन्य लोगों को सांख्यिकीय परिणाम भेजने के लिए कहा। ये जिवेन ने अतीत को एक एक करके पुरस्कृत किया। घाटी के प्रमुख के रूप में उसने यही किया। वह कई सांसारिक चीजों की उपेक्षा कर सकता था, लेकिन वह इन चीजों को दूसरों को नहीं सौंप सकता था। उसने इन चीजों से निपटने के लिए खुद को सीधे विभाजित कर लिया और उनके मूल बुद्ध, जो छिपे हुए राजा और अन्य लोगों को ले गए, बैठक की छोटी सी दुनिया में प्रवेश कर गए। इस युद्ध में सभी ने कड़ी मेहनत की है। ये जिवेन मुस्कुराए, उनकी तरफ देखा और कहा, सख्त नहीं, 100 आंखों वाले राक्षस को मारना वैली मास्टर के लिए सबसे मुश्किल काम है। हाँ, इस लड़ाई में घाटी के मास्टर ने कड़ी मेहनत की और बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इस समय हर कोई पहले से ही जानता था कि 100 आंखों वाले विशाल को यक्षिवेन ने मार डाला था। वे हैरान और अकथनीय थे। ये जिवेन की पिछली घटनाएं केवल अफवाहें थी। इस बार उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली अर्थ सम्राट का राजशाही संप्रदाय और सम्राट की विरासत दोनों में उच्च दर्जा है। सामान्य लोग अपने जीवन में धीरे धीरे अर्थ सम्राट से आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन अब वे उनके सामने गिर गए हैं। ऐसा झटका लगभग किसी वास्तविक सम्राट के पतन से कम नहीं है। हालांकि सम्राट अजेय है, ऐसी किंवदंती अनगिनत वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कितने लोगों ने वास्तव में सम्राट को देखा है। यहां तक सम्राट किन का हालिया उपदेश भी अनगिनत वर्षों से है। अब तक सम्राट के मामले किंवदंतियां बन गए हैं। इसके विपरीत यह भावी सम्राट जितना सच नहीं है और यह अधिक चौंकाने वाला भी है। इस समय वे अधिक स्थिर होते हैं। यहां तक अगर वे एक बड़ी आपदा का सामना करते हैं तो इस तरह के एक अजेय घाटी भगवान के नेतृत्व में उनके पास इस बड़ी आपदा से बचने का बहुत अधिक मौका है। उल्लेख नहीं है, यह अभी भी एक बड़ा अवसर हो सकता है। उस समय उच्च स्तर पर जाना संभव हो सकता है,
लेकिन मेरा मानना कि आपको यह भी समझना चाहिए कि यह तो बस शुरुआत है और यहाँ तक असली आपदा अभी शुरू नहीं हुई है, ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। लोगों को अचानक याद आया कि भले ही उन्होंने 100 आंखों वाले विशाल अर्ध सम्राट को मार डाला हो, यह वह नहीं था जिसे कोई चिंता नहीं थी। इसके विपरीत यह सिर्फ आपदा की शुरुआत है। आपदा की शुरुआत में अर्ध सम्राट स्तर के आंकड़े होते हैं। अगला, सम्राट स्तर के विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता कि वहाँ सीलबंद जमीन में क्या हुआ। यहाँ तक अगर तियान परिवार के सम्राट थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं निकल सकते तो कौन जानता है कि लंबे समय के बाद क्या होगा। एक बार सम्राट स्तर के मास्टर के प्रकट होने के बाद पिछले दो स्वर्ग विरोधी युद्धों की स्थिति दोहराई जाएगी। पिछले दो स्वर्ग विरोधी युद्धों में हुए खूनी दृश्यों के बारे में सोचकर कई लोग सिहर उठते हैं। ऐसे युद्ध में भगवान राजा स्तर के स्वामी तोप के चारे की तरह होते हैं। यहाँ तक अर्ध सम्राट स्तर के स्वामी भी मुश्किल से ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। यदि वे क्षैतिज होना चाहते हैं तो सम्राट स्तर के स्वामी के लिए व्यक्तिगत रूप से बाहर जाना ही संभव है। उनके जैसे देवता तोप का चारा भी नहीं है। वे नहीं जानते कि वे प्रति मिनट कितने मरेंगे। क्या बुरा है, उस समय सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना में अभी भी कई सम्राट थे, लेकिन अब अकेले सम्राटों को छोड़ दें, यह अनगिनत साल पहले सम्राटों की खबर सुनने के लिए था। इससे आपदा पर भारी साया पड़ गया है। यदि सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं, तो इस बार खतरे से बचना तो दूर की बात है। भले ही वे अपनी रक्षा कर सके, यह चर्चा का विषय बन गया है। सबकी निगाहें येक्वान की ओर घूम गईं कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। ये ज़िवेन ने कहा, अब हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। वैसे भी हमें सबसे पहले यह करना है कि हम सभी पक्षों के विशेषज्ञों को आकर्षित करें और अपनी ताकत में सुधार करें। हमारी ताकत जितनी मजबूत होगी, हम और तूफानों का सामना कर सकते हैं। ये ज़िवेन की बातें कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन जब आप इस पर ध्यान से विचार करते हैं तो यह भी सबसे प्रभावी तरीका है। उनकी खुद की ताकत जितनी मजबूत होगी, उनके बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आखिरकार वे केवल साधारण राजा सीलिंग संप्रदाय हैं, सम्राटों की विरासत नहीं। कस्बे में ताओवादी वाद्य यंत्र होना निस्संदेह बहुत बेहतर है। हालांकि इस समय लोगों को अचानक याद आया कि ये ज़िवेन के हाथ में एक ताओवादी वाद्य यंत्र है। 100 आंखों वाले विशाल ने इस बार छापा मारने का कारण इसलिए भी चुना क्योंकि वह इस ताओवादी यंत्र से आकर्षित था। हाथ में ताओ के साथ उनके पास संकट से निकलने का एक शानदार मौका है। जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, तभी एक खबर आई। तियानजू के शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा बाईचेन परिवार पर हमला किया गया। अब उन्होंने दूतों को मदद मांगने के लिए भेजा। खबर ने तुरंत छिपी हुई घाटी को ऊपर और नीचे उबाल दिया। इस बाईचेन कुलीन परिवार के लिए यंगू अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि दोनों पक्ष मूल रूप से पड़ोसी हैं। बाईचेन कुलीन परिवार एक मानव कुलीन परिवार है और इसके संस्थापक बेईचेन राजा हैं। मानव जाति के कई राजाओं में बाईचेन राजा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। वह सप्ताह के दिनों में शायद ही कभी लोगों से झगड़ा करता है। यहाँ तक कुछ निचले स्तर के छिपे हुए घाटी के शिष्यों को भी बाईचेन कुलीन परिवार के मामलों की जानकारी नहीं है। केवल शीर्ष स्तर ही इसे स्पष्ट रूप से जानता है। अब पहले की तरह हिडन वैली में बाईचेन परिवार पर भी तियान परिवार के विशेषज्ञों द्वारा छापा मारा गया है। तो ज़िवेन ने याद किया कि बाईचेन कुलीन परिवार और यंगू पड़ोसी है। बेशक इस पड़ोसी की अवधारणा धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग है, लेकिन दोनों पक्षों को निकटतम राजा सीलिंग संप्रदाय के रूप में माना जा सकता है और वे सप्ताह के दिनों में प्रतिस्पर्धी भी हैं। हिडन वैली के लिए यह एक संभावित प्रतियोगी भी है, इसलिए सप्ताह के दिनों में लगातार ध्यान दिया जाता है और बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की जाती है। सौभाग्य से बाईचेन कुलीन परिवार अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है, या यह जानता है कि बाईचेन कुलीन परिवार की ताकत छिपी हुई घाटी से बहुत दूर है। बाईचेन कुलीन परिवार में काईपाई के संस्थापक बाईचेन राजा सबसे मजबूत हैं। हालांकि बेईचेन राजा स्वयं राजा के क्षेत्र के बाद के चरण में है, जो छिपे हुए राजा से भी बदतर है। पूरी छिपी हुई घाटी की ताकत की तुलना में यह पूरी छिपी हुई घाटी की ताकत से बहुत दूर है। इस मामले में वे आसानी से छिपी हुई घाटी के साथ संघर्ष नहीं करेंगे, इसलिए यह छिपी हुई घाटी को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण प्रभाव भी देती है। बेशक यिंगू परेशानी के लिए बाईचेन कुलीन परिवार में नहीं जाएगा। आखिरकार बाईचेन अभिजात वर्ग का परिवार टेरान कैंप का है। अब तीन जातियों में टेरान सबसे शक्तिशाली है, विशेष रूप से किन सम्राट और उनकी विरासत वुजों के बीच संबंध के कारण। अब टेरान पूरी दुनिया में बहुत सक्रिय है। हालांकि छिपी हुई घाटी एक मजबूत दौड़ के अधीन नहीं है। इसे एक आकस्मिक संप्रदाय के रूप में माना जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, वह इस नस्ल की अलग अलग ताकतों को भड़काने के लिए तैयार नहीं है। कई राजाओं और कई देवताओं ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखा। वे थोड़े अविश्वसनीय लग रहे थे। भले ही बाईचेन कुलीन परिवार और यंगू की ताकत बहुत अलग थी, वे भी एक राजा सीलिंग संप्रदाय थे।
जब तक वे राजा सीलिंग संप्रदाय के स्तर पर थे वे अमर हो सकते थे, लेकिन इस स्तर पर बाईचेन कुलीन परिवार वास्तव में मदद मांगने के लिए आगे आया। क्या वाकई स्थिति यहाँ तक गई है? इस अवधि के दौरान छिपी हुई घाटी पर कबीले द्वारा लगातार छापा मारा गया। वे इस बात की परवाह करने में बहुत व्यस्त थे कि दूसरे लोग कैसे हैं। इस समय मुझे अचानक बाईचेन कुलीन परिवार की मदद मिली। उनके पास ध्यान देने का समय था। निश्चित रूप से आसपास के कई सीलिंग संप्रदायों पर छापा मारा गया, न कि केवल छिपी हुई घाटी पर। बेशक जिन छापों का उन्होंने सामना किया वे छिपी हुई घाटी की तुलना में बहुत कम थी। सबसे पहले 10 राजाओं के स्तर के एक शीर्ष देवता राजा ने व्यक्तिगत रूप से गोली मारी और फिर एक भावी सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से हमला किया। इस तरह की लाइनअप एक सम्राट को उत्तराधिकार के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त है और अब यह सभी हिडन वैली पर उपयोग किया जाता है। ऐसी लड़ाई के बाद साधारण लड़ाई उनके लिए कुछ भी नहीं है। वे पूरी तरह से शांत हो गए हैं। बीचेन परिवार के लोगों को आमंत्रित करें, ये जिवेन ने कहा। कुछ देर बाद कई युवक युवतियां सीधे अंदर आ गए। पहला एक युवक था जो लगभग 28 वर्ष का था। वह चीनी कपड़े पहने हुए था और बहुत अमीर था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ चिंता दिख रही थी। उसके पीछे कई पुरुष और महिलाएं भी थीं, जिनमें से प्रत्येक की असाधारण उपस्थिति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात अमर लोक की शक्ति है। उसके नेतृत्व वाला व्यक्ति भगवान है जो सीधे ऋषि के दायरे में प्रवेश करता है। जाहिर है वे सभी बाईचेन कुलीन परिवार के कुलीन शिष्य होने चाहिए। इस बार उन्हें मदद मांगने के लिए भेजा गया था। यिक्षिवेन का दिमाग घूम गया। मैंने तुरंत अनुमान लगाया कि वे क्या कर रहे हैं। अब बाईचेन अभिजात परिवार बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया होगा, इसलिए उन्होंने इन लोगों को बाहर भेज दिया। राजा सील संप्रदाय के स्तर पर बड़े पैमाने पर हाथापाई में कम से कम शिष्य थे। इसका ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इसके विपरीत अगर बाईचेन परिवार नष्ट हो जाता है तो इन लोगों को बाईचेन परिवार की पुनर्जीवित जाति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपके पास भविष्य में मौका है तो आप बाईचेन परिवार की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इन बातों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर यिंगू बदल जाता तो शायद वह भी ऐसा ही करता। हम एक संप्रदाय को ऊपर नीचे होने और नष्ट होने नहीं दे सकते। मृत्यु की गिनती नहीं है, यहाँ तक ताओवाद भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यह सबसे भयानक बात है। तुम, ये जिवेन, प्रमुख व्यक्ति ने ये जिवेन की ओर देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन अविश्वसनीय दिख रहा था। उसे मदद मांगने के लिए यिंगू आने का आदेश दिया गया था। अप्रत्याशित रूप से वह तुजिवेन को देखेगा, और वह कोई साधारण भगवान राजा नहीं था, बल्कि घाटी के स्वामी के सिंहासन पर बैठा था। इसने उनके विश्वदृष्टि को पूरी तरह से उलट दिया है और पतन के कगार पर है। क्यों, क्या तुम मुझे जानते हो? ये क्षिवेन ने युवक की ओर देखा और पूछा। मैं बीचे निवान हूँ भाई। ये नहीं, यह सामान्य है कि ये गु मुझे नहीं जानते। वास्तव में मैंने सम्राट चयन मार्ग में भी भाग लिया था, लेकिन भाई तू की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। ये चमकीले चांद की चमक और जुगनुओं की चमक जैसा है। यह बिल्कुल तुलनीय नहीं है। यह सामान्य है कि येगू मुझे नहीं जानता। युवक बाईचेन न्युवान ने अपने मुंह के चारों ओर एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। जब सम्राट चयन मार्ग खोला गया तो उन्होंने सम्राट चयन मार्ग में भी भाग लिया। हालांकि ये जिवेन के विपरीत अंगिनत पुराने राक्षसों द्वारा एकत्रित सम्राट चयन मार्ग में आम लोग अलग नहीं खड़े हो सकते थे। बाईचेन कुलीन परिवार में उन्हें इस पीढ़ी के पहले विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। वह सप्ताह के दिनों में भी बहुत दम्भी होता है, लेकिन सम्राट चयन रोड में भाग लेने के बाद वह वास्तव में समझता है कि दुनिया में कितने विशेषज्ञ हैं। विशेष रूप से इस क्षेत्र में गंगा की रेत की तरह अंगिनत विशेषज्ञ हैं। इस वातावरण के तहत वह, जिसे बाईचेन कुलीन परिवार की पीढ़ी के पहले विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, की कोई महिमा नहीं है। उन्हें केवल एक विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता है। उसने शुरू से अंत तक कोई बड़ा नाम नहीं बनाया है, इसलिए तुजिवेन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत हालांकि यिक्षिवेन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वह यिक्षिवेन को जानता था और अच्छी तरह जानता था कि यह एक सुपर मॉन्स्टर था। ये जिवेन के एम्परर इलेक्शन रोड में प्रवेश की शुरुआत से ही वह लगातार अपने लिए एक नाम बना रहा था और उन विशेषज्ञों को हरा रहा था जो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे। ऐसा लगता है कि अंगिनत वर्षों से जमा हुई इन लोगों की प्रतिष्ठा ये जिवेन के लिए एक सीढ़ी बन गई है। हालांकि उन्होंने अंतिम लड़ाई में भाग नहीं लिया था, उन्होंने दूसरों के बारे में सुना है। ये जिवेन ने अकेले ही नायकों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसने अकेले ही नायकों को मार डाला। हालांकि वह अंत में असफल रहा और सम्राट बनने का मौका पाने में असफल रहा, लेकिन इससे उसकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं हुआ। कई लोगों का मानना कि युद्ध गैर युद्ध का अपराध, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंतिम कबीला फिर से शामिल हो सकता है, जो सभी की अपेक्षा से परे था। इसलिए यह बहुत स्पष्ट रूप से याद करता है कि इस पीढ़ी में ये जिवेन वास्तव में पहले और अजेय है। बाद में तू जिवेन ने सीधे दिव्य राजा के राज्य में प्रवेश किया।
उसने न जाने कितने प्रसिद्ध दिव्य राजा स्तर के विशेषज्ञों को पराजित किया। शुरुआत में वह अपनी ओर ऊपर की ओर देख सकता था, लेकिन जब वह राजा के राज्य में पहुंचा तो उसके पास ऊपर देखने की योग्यता भी नहीं थी। आप जानते हैं, पूरे बाईचेन कुलीन परिवार में बाईचेन के राजा का केवल एक स्वामी है जो राज्य का राजा है। ये कल्पना की जा सकती है कि ये शिवेन उसके लिए कितना सदमे में थी। अब जब वह ये जिवेन को फिर से देखता है तो ये जिवेन छिपी हुई घाटी का वैली मास्टर भी बन गया है। यह फैंग येटन है, जैसे कि वह बाईचेन कुलीन परिवार में लौट आया हो और अचानक पुराने पूर्वज ने खुद को गुरु का पद सौंप दिया। यह असंभव है, लेकिन ये जिवेन ने ऐसा किया, इसलिए वह और भी अवाक रह गया। उन्हें बस यह लगा कि तीन दृष्टिकोणों को उलट दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा है, ये जिवेन ने सिर हिलाया। उस समय जुआंडी रोड में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे थे, उसे और लोग याद नहीं थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि उसने उन वर्षों में सामान्य ईश्वरीय स्तर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अब तो दूर की बात है। अब बाईचेन अभिजात परिवार आपको मदद मांगने के लिए क्यों भेजता है, अब क्या स्थिति है, ये जिवेन ने पूछा। अफसोस, यह कहना मुश्किल है, अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वे जातीय सेनाएं अचानक प्रकट हुई और सीधे हमारे परिवार की रक्षा पंक्ति पर प्रहार किया, यहाँ तक कि पुराने पूर्वज भी घायल हो गए। वे बिना ढहे बमुश्किल सरनी बनाए रखते हैं, लेकिन वे वापस लड़ने में असमर्थ हैं। बीचेन युवान ने आह भरी। क्या गॉड किंग स्तर का कोई विशेषज्ञ है, ये जिवेन ने पूछा। ठीक है, यह सही है, बाईचेन युवान ने कहा। यह संभव है कि चरम दिव्य राजा स्तर के विशेषज्ञ बाहर भेजे गए हों, इसलिए पुराने पूर्वजों ने मुझे यहाँ भेजा था। छिपे हुए राजा को आने के लिए आमंत्रित करना सुनिश्चित करें। मूल अनुमान के अनुसार, बाईचेन युवान ने कहा कि बाईचेन कुलीन परिवार की मूल बुद्धिमत्ता में यंगू में सबसे मजबूत विशेषज्ञ छिपे हुए राजा हैं। उसके पास शिखर देव राजा स्तर की शक्ति होनी चाहिए। भले ही नहीं, वह और बाईचेन राजा सन्नी के भौगोलिक लाभ के साथ परिवार के राजा भगवान के शिखर को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए उसने सिर्फ अपना मुंह खोला और छिपे हुए राजा से कार्रवाई की अपेक्षा की। जहां तक शिवेन की बात है तो उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि वह छिपी हुई घाटी का घाटी स्वामी बन गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चोटी के देवता राजा से निपट सकता है। यह सत्ता का सामान्य हस्तांतरण मात्र हो सकता है। अब हमारे परिवार की स्थिति दांव पर है। हमारे पूर्वजों ने इसे अंत में भेजने के लिए हर तरह की कोशिश की, अब हम बिल्कुल वापस नहीं जा सकते। सब कुछ घेर लिया गया है, बाईचेन युवान ने बार बार आह भरी। यहां तक ऐसी स्थिति के सामने उसका मन भी बेबस था। कृपया मेरी मदद करें एल्ड यिन वांग, मैं आपका और बाईचेन परिवार का बहुत आभारी रहूंगा। उन्हें नहीं पता था कि इन लोगों को बाहर क्यों भेजा गया था। यदि बाईचेन परिवार नष्ट हो गया तो वे आग होंगे और बाईचेन परिवार के ठीक होने की एकमात्र आशा होगी। वैरागी राजा ने ये जिवेन को देखा, फिर हंसा और कहा, तुम बहुत भ्रमित हो, तुम सोना और जेब नहीं जानते। हाँ, हमारे वैली मास्टर के साथ, क्या आपको डर है कि आपके बाईचेन परिवार का खतरा हल नहीं हो सकता। बाईचेन युवान ने ये जिवेन को कुछ संदेह के साथ देखा। स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद थी कि छिपा हुआ राजा एक शॉट लगा सकता है, और अब छिपे हुए राजा ने गेंद को एक शिवेन की ओर किक मारी। इसका अर्थ क्या है, क्या वह मदद करने वाला नहीं है। हालांकि ये जीवन मजबूत है, फिर भी वह चोटी के भगवान राजा से निपट सकता है। साथ ही अब संकट के समय में यह वास्तव में एक बड़ी आपदा है। वे अलग से उड़ते हैं, हर कोई दरवाजे के सामने बर्फ झाड़ता है, उनके पास दूसरों के काम में दखल देने का समय नहीं है। बाईचेन युवान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जिवेन के पास शिखर भगवान राजा से निपटने की क्षमता है। आखिरकार वैली मास्टर का मतलब यह नहीं है कि वह सबसे मजबूत है। उनकी राय में यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यिन वैली टू जिवेन की ताकत के बारे में बहुत आशावादी है, इसलिए उसने उसे 3W अग्रिम में वैली मास्टर बनने दिया। वह इस समय बहुत दुखी भी था। अच्छा भतीजा, ऐसा लगता है कि आपको अभी भी कुछ संदेह है, छिपे हुए राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह नहीं जानता था कि बाईचेन युवान क्या सोच रहा था। यदि उसने वास्तव में इसका अनुभव नहीं किया होता तो वह वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर पाता। भाई बाईचेन, चिंता मत करो, मैं इस मामले को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, ये जिवेन तुरंत सीधे सहमत हो गई। उनके लिए यह हिडन वैली की ताकत का विस्तार करने का अच्छा मौका है। एक विशाल शक्ति का उदय एक प्रमुख कोर बल और संबद्ध बलों के एक समूह के संयोजन के साथ होता है। हिडन वैली में अपने आप में कई संबद्ध बल हैं, लेकिन ये जिवेन के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप उन शाही विरासत से तुलना करना चाहते हैं तो आप साधारण अमर विरासत पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि हम विशाल सेनाएं संचित करना चाहते हैं तो हम केवल राजा संप्रदाय की संबद्ध शक्तियों को ही आत्मसात कर सकते हैं। हर अमर सम्राट की विरासत के पीछे संबद्ध बलों के रूप में कई राजा सीलिंग संप्रदाय हैं। इन ताकतों ने उनकी शरण ली है और विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने संप्रदाय में स्थापित किंग सीलिंग संप्रदाय भी हैं।
यह इतने अधिक है कि एक साथ यह एक अजेय सम्राट की विरासत है। बेशक यह भी एक महत्वपूर्ण मानक है कि कोई सम्राट रहा है या नहीं। ऐसी विरासत कभी नहीं रही जिसकी तुलना उन अमर सम्राटों से की जा सके जो विरासत में सम्राट न रहे हों। क्योंकि एक महान सम्राट विरासत में बहुत अधिक विरासत और विरासत ला सकता है, साथ ही साथ कई अज्ञात साधन और कार भी ला सकता है। यह सम्राट की विरासत नहीं है। मैं वास्तव में नहीं समझ सकता कि वे कितने शक्तिशाली हैं। अब तो शिवेन को ऐसा काम करना होगा। छिपी हुई घाटी को उस बिंदु तक उठाना सबसे अविश्वसनीय बात है जहां वह सम्राटों की विरासत के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। सम्राट चेंग से लगभग अधिक अविश्वसनीय। आखिरकार सम्राट चेंग के पास अभी भी एक मिसाल है और यह एक ऐसा कारनामा है जो किसी ने कभी भी एक साधारण राजशाही संप्रदाय को राजशाही को छोड़े बिना राजशाही स्तर की विरासत में बदलने के लिए नहीं किया है। तू जीवेन के लिए अब उसके हालात खराब नहीं है। उसके हाथ में ताओवादी उपकरण है और एक से अधिक चीजें हैं। विरासत के मामले में येमो का अस्तित्व उन अमर सम्राटों से कम नहीं है। अंतर केवल संचित विवरण का है। ये अपूरणीय अंतराल नहीं है, इसलिए उनके दिल में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह नहीं जानता कि उसके जीवन में सम्राट बनने का मौका है या नहीं, लेकिन इस परेशान दुनिया में ताकत जितनी मजबूत होगी भविष्य में जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब वह अकेला नहीं है। यहाँ तक उनके साथ उनके माता पिता का जीवन भी जुड़ा हुआ है। वह किसी भी असफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि आप सम्राटों की विरासत की तुलना में एक मजबूत विरासत बनना चाहते हैं, तो अब विवरण जमा करने में बहुत देर हो चुकी है। सबसे तेज तरीका सभी दलों की ताकतों और विशेषज्ञों को अवशोषित करना है, न केवल उन बिखरे हुए विशेषज्ञों को बल्कि राजा सीलिंग संप्रदाय की ताकतों को भी। बाईचेन कुलीन परिवार बस ऐसी ही शर्त पूरी करता है। यह एक राजा सीलिंग संप्रदाय है और इसमें मजबूत ताकत है, लेकिन यह इतना मजबूत नहीं है कि छिपी हुई घाटी की प्रमुख स्थिति को खतरे में डाल सके। इसे आत्मसात करने का अधिकार। थैंक यू वैली लीडर ये, बाईचेन युवान ने झट से कहा, वह ऐसा कर सकता है या नहीं। लेकिन ये जीवेन पहले ही ऐसा कह चुके हैं और वह केवल उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन भाई बाईचेन को यह भी पता होना चाहिए कि हमारी छिपी हुई घाटी पर तियानजू ने अभी अभी हमला किया है। हमारा खुद का नुकसान छोटा नहीं है और बिना शर्त मदद करना असंभव है। तो जीवेन ने कहा, यह स्वाभाविक है। जब तक हम अपने बीचेन परिवार की घेराबंदी को हल कर सकते हैं, हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेचेन युवान बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और जल्दी से कहा, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू जीवेन क्या चाहता है, वह वादा करेगा क्योंकि यह अंत में टूट जाने से कहीं बेहतर है। मैं आपके बीचेन कुलीन परिवार के लिए लालची नहीं हूँ। हाल ही में हमारी छिपी हुई घाटी ने छिपे हुए गठबंधन नामक गठबंधन का आयोजन किया है जो एकजुट होने वाली सभी वस्तुओं को एकजुट करना है। इसका उद्देश्य तियानजू के खिलाफ लड़ना और इस आपदा से सुरक्षित रूप से निकलना है। ये जीवेन ने बेहोश होकर कहा। यह सुनकर बहुत से देवता और गुप्तवादी के राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने इस छिपे हुए गठबंधन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जाहिर है यह सिर्फ वैली लॉर्ड द्वारा बनाया गया एक संगठन होना चाहिए, लेकिन वे इस समय ये जीवेन का पर्दाफाश करने के लिए आगे नहीं आएंगे और उसे मौके पर ही मार देंगे। क्या यह मरने का तरीका नहीं है? बेशक, क्या अधिक महत्वपूर्ण है कि यह अच्छा लगता है? कोर के रूप में छिपी घाटी के साथ गठबंधन के सदस्यों के पास फैंगवान संप्रदाय जैसी शक्तिशाली शक्ति है। अतीत में सम्राट विरासत के स्तर पर केवल वे दिग्गज ही इस तरह के गठबंधन को व्यवस्थित करने के योग्य थे। इस समय तू जीवेन वास्तव में इस तरह के गठबंधन को बढ़ावा देना चाहते थे। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं थोड़ा रोमांचित महसूस करता हूँ। यह सबसे अच्छा अवसर भी है। यदि यह एक शांतिपूर्ण युग में है तो हिडन वैली कॉल पर कौन ध्यान देगा और हिडन वैली ओवरस्टिमेशन पर नहीं हंसेगा? वे कॉल का जवाब कैसे दे सकते हैं? यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो क्या सम्राट की विरासत द्वारा गठित गठबंधन में भाग लेना तथाकथित छिपे हुए गठबंधन में शामिल होने से बेहतर नहीं है? लेकिन अब संकट के समय में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे या तो छिपे हुए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और शरण प्राप्त कर सकते हैं, या वे मर जाएंगे। अगर वे होशियार हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे चुनाव करना है। इस समय वे वास्तव में महसूस कर रहे थे कि ये जीवेन ने पहले क्या कहा था। संकट यह है कि खतरे में अवसर है। क्या बात, यह दूसरों के लिए खतरनाक है, लेकिन यह हिडन वैली के लिए एक अभूतपूर्व अच्छा अवसर है। बाईचेन युवान मूर्ख नहीं है। बेशक मैं समझता हूँ कि यह गठजोड़ इतना आसान नहीं होगा। शामिल होना अच्छा है, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। एक बार जब आप शामिल हो जाते हैं तो आप बीचेन अभिजात परिवार को छिपी हुई घाटी के रथ से बांध देंगे। स्वाभाविक रूप से उस समय सब कुछ छिपी हुई घाटी का अनुसरण करेगा। पहले जैसा मुक्त होना असंभव है।
शांतिकाल में बाईचेन कुलीन परिवार एक पुराने राजा सीलिंग संप्रदाय के रूप में किसी भी गठबंधन सेना में शामिल हुए बिना भी अच्छी तरह से रह सकता है। इसके विपरीत उन्हें जीतने के लिए प्रत्येक गठबंधन को उन्हें 3 अंक देने की आवश्यकता है। लेकिन अब संकट के समय में सब कुछ अलग है। तटस्थता की नीति का अर्थ है कि उनके पास मजबूत समर्थन नहीं है। यदि वे किसी खतरे का सामना करते हैं तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। यही उनका दुख भी है। उसे लगभग तुरंत ही येजीवेन की महान महत्वाकांक्षा के बारे में पता चल गया था। दूसरे शब्दों में तुजीवेन ने इसे छिपाने में संकोच नहीं किया। यह एक गंभीर साजिश थी और ज्ञात होने से डरती नहीं थी। येक्षिवेन को वास्तव में बड़ी भूख है। उसी समय येजीवेन ने बिना किसी चिंता के उसकी ओर देखा, क्योंकि अब जिसे बचाने की जरूरत है वह बाईचेन परिवार है, न कि यंगू। उसके पास पहल है और स्वाभाविक रूप से बहुत शांत है। यदि बाईचेन कुलीन परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं तो निश्चित रूप से यह सबसे अच्छा है। यदि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो वे अभिशप्त हैं। मुसीबत के समय में हालांकि येक्षिवेन के पास कुछ ताकत है, लेकिन वह हर किसी को नहीं बचा सकता और हर किसी की रक्षा नहीं कर सकता। वह केवल कुछ लोगों की यथासंभव रक्षा कर सकता है। ठीक है, हमने वादा किया था, बाईचेन युवान तुरंत सहमत हो गया और अपने दांतों से कहा। इस समय बाईचेन कुलीन परिवार को एक कोने में धकेल दिया गया है। वे उनसे सहमत न होना बर्दाश्त नहीं कर सकते और वे मना नहीं कर सकते। न मानने का परिणाम मृत्यु है। वे अभी भी इसे समझते हैं। हालांकि गठबंधन में शामिल होने के लिए छिपी हुई घाटी का नेतृत्व करना चाहिए, यह निश्चित रूप से बहुत सारी स्वायत्तता खो देगा, लेकिन फिर भी यह पूरे परिवार द्वारा मारे जाने से कहीं बेहतर है। जब तक तू बू मास्टर हमारे बाईचेन कुलीन परिवार को बचा सकता है, वह छिपे हुए गठबंधन में शामिल हो जाएगा और ये गू मास्टर के नेतृत्व का पालन करेगा, तो क्या? बाईचेन युवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार जब उसने वास्तव में निर्णय लिया तो वह उलझेगा नहीं। वे स्वयं उलझे हुए व्यक्ति नहीं थे। इस समय उसने अभी भी चौकस निगाह रखी और एक छोटी सी चाल चली। उनके लिए छिपे हुए गठबंधन में शामिल होने की केवल एक ही शर्त है, वह यह है कि अगर ये जीवन बाईचेन परिवार के संकट को बचा सकते हैं तो वे इसमें शामिल होना चुनेंगे। क्या आप बाईचेन राजा की जगह ले सकते हैं? ये क्षिवेन ने उसे देखा और पूछा। हाँ, इस बार बाहर आने से पहले मेरे पूर्वजों ने मुझे परिस्थितियों को बदलने का अधिकार दिया था। जब तक मैं नीचे की रेखा को नहीं छूता, मैं वादा कर सकता था। बाईचेन युवान ने ये जीवन को देखा और कहा, मेरे बाहर आने से ठीक पहले भले ही मैंने सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचा और छिपी हुई घाटी द्वारा ब्लैकमेल किया गया, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस छिपे हुए गठबंधन में शामिल होना चाहता हूँ। हालांकि उनका मानना कि उनके पूर्वज उपस्थित होने पर सहमत होंगे, क्योंकि दरवाजे को मारने से बुरा कुछ नहीं है। बाईचेन युवान के शब्दों को सुनकर यंगू में कई देवता और राजा कुछ उत्तेजना दिखाने से नहीं रोक सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यंगू एक दिन राजा सीलिंग संप्रदाय के स्तर पर जागीरदारों को प्राप्त करने में सक्षम होगा और उसका इतना शक्तिशाली छोटा भाई होगा। हालांकि यह गठबंधन के नाम पर किया जाता है, लेकिन लोग स्पष्ट नजर से देख सकते हैं कि यह एक जागीरदार गठबंधन है, एक समान गठबंधन नहीं है, बल्कि छिपी हुई घाटी के साथ एक पूर्ण गठबंधन है। येजीवेन पर लोगों की निगाहें अचानक बदल गईं। मूल रूप से कुछ लोग येजीवेन को छिपी हुई घाटी के घाटी नेता के रूप में स्वीकार करने में बहुत सक्षम नहीं थे और उन्होंने सोचा कि उनकी योग्यता अभी भी बहुत उथली है। लेकिन अब किसी को भी येजीवेन की योग्यता पर संदेह नहीं है। सत्ता में आते ही वह एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि छिपे हुए राजा ने इतने सालों तक छिपी हुई घाटी के नेता के रूप में एक उत्कृष्ट काम किया है, वह स्पष्ट रूप से येजीवेन से कमतर है। इतने अच्छे वैली मास्टर के साथ वे और क्या मांग सकते हैं? ठीक है, चूंकि तुम मालिक हो सकते हो, यह अच्छा है। मेरा मानना कि बाईचेन राजा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी बात तोड़ी हो। मैं अब तुम्हारे बाईचेन कुलीन परिवार को बचाऊंगा, येजीवेन ने सिर हिलाया और कहा। अब बाईचेन युवान ने येजीवेन को विस्मय से देखा। हालांकि निर्णायकता एक ऐसा गुण है जो हर सफल व्यक्ति में होना चाहिए। कोष्टक, लेकिन यह बहुत जोरदार है। क्या आपको आगे बढ़ने के लिए सेना को संगठित करने की आवश्यकता नहीं है? यह थोड़ा बहुत गर्म है। हाँ, अब येजीवेन हंसे और कहा, तुम बहुत अजीब हो। मैंने लोगों को एक साथ भी नहीं बुलाया और कहा कि मैं समस्या को हल करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि आपके पक्ष में स्थानिक निर्देशांक क्या हैं? बाईचेन युवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत तुजीवेन को बताया। जैसे ही आवाज गिरी, येजीवेन गर्जना करने लगा और पंखों का एक जोड़ा अचानक उसके पीछे फैल गया। अंतरिक्ष की सांस फैल गई और कानून में लगातार उतार चढ़ाव हुआ। कुछ समय के लिए हवा चली, ब्रह्मांड उल्टा हो गया और स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। सभी ने एक शक्तिशाली शक्ति को उबलता हुआ महसूस किया और सांस से बाहर होने का एहसास हुआ। फिर उसने देखा कि येक्षिवेन के पंख लगातार चमक रहे थे और इस समय अनगिनत स्थानिक ताकतें येक्षिवेन के सामने की जगह से टूट गईं।
फिर ये जिवेन के सामने एक पूरा अंतरिक्ष चैनल दिखाई दिया और उसका शरीर एक तेज सांस छोड़ता रहा। पूरा अंतरिक्ष चैनल। बाईचे न्युवान ने ये जिवेन को देखा और कहा कि उसने अंतरिक्ष संचरण व्यूह के बारे में अधिक देखा। यहाँ तक उसके पास एक अंतरिक्ष संचरण सरणी बनाने का एक तरीका था, लेकिन उसने सीधे ही पूर्ण अंतरिक्ष चैनल को निकाल दिया। उसके लिए यह एक कल्पना थी। इसे प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति की अभूतपूर्व समझ की आवश्यकता है। जाहिर है यह वह नहीं है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। यहाँ तक उनके पुराने पूर्वज बाईचे न्युवान भी ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह का स्पेस पोजिशनिंग को तोड़ता है जो परमेश्वर का राजा कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वे शक्तिशाली सम्राट ब्रह्मांड के माध्यम से ब्रह्मांड के अंत तक सीधे शून्यता और विमानों के पार भी जा सकते हैं। यह उनकी कल्पना से परे है। भावी सम्राट के पास पहले से ही इनमें से कुछ शक्तियां हैं। यद्यपि आप एक सम्राट की तरह अनंत ब्रह्मांडीय समुद्र के बाहर नहीं लड़ सकते हैं, आप अपने स्वयं के आक्रमण को हवा में भी प्रसारित कर सकते हैं, जो अपने आप में महान है। इस समय लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना कि अंतरिक्ष चैनल के दूसरी तरफ से हत्या की अनगिनत चीखें आ रही थी, जो लड़ाई का एक युद्ध क्षेत्र था। हाँ, यह हमारी तरफ है। बाईचे कुलीन परिवार में एक युवक रोने से खुद को नहीं रोक सका। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में संकट का सामना करने का समय नहीं है जो नष्ट हो सकता है। बाईचे कुलीन परिवार के ये शब्द उनके लिए कितने मायने रखते हैं। इस समय अंतरिक्ष चैनल के दूसरी तरफ एक विशाल भयंकर जानवर अंतरिक्ष में रेंगता हुआ, आतंक के कानून के साथ बिखरा हुआ ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण को थूकता हुआ और सीधे बहता हुआ बाईचे परिवार की रक्षा पंक्ति को लगातार तोड़े। उसके हमले के तहत बाईचे कुलीन परिवार की रक्षा पंक्ति खतरे में थी और बाईचे राजा प्रकट नहीं हुआ। जैसा कि बाईचे न्युवान ने कहा, वह घायल हो गया था और अब ठीक हो सकता है। वह वही है। बाईचे न्युवान ने अपनी आंखें खोली और कहा। वह बेबसी से देखता रहा क्योंकि इस विशाल भयंकर जानवर ने एक धर्म व्यूह को तोड़ा और बाईचे परिवार के कई विशेषज्ञों को धर्म व्यूह में पकड़ा। फिर उसने इसे सीधे निगल लिया और उसके कान बाईचे परिवार के विशेषज्ञों की चीखों से भरे हुए थे। उनके लिए यह दृश्य बहुत ही चिंताजनक था। इस भयानक जानवर के अलावा कई शक्तिशाली दिव्य राजा हर जगह उग्र हो रहे हैं। बाईचे परिवार की रक्षा पंक्ति पर हमला। देखो मैं उसके साथ कैसे व्यवहार करता हूँ, ये जिवेन ने कहा। जब लोगों ने सोचा कि ये जिवेन सीधे अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से दौड़ेंगे, लेकिन तू जिवेन ने सीधे गोली मार दी। आसमान पर मुने और प्रिंट करें। ये जिवेन ने अपने बड़े हाथ को एक बड़ी मुहर में बदल दिया और जानवर राजा पर वहीं गिर पड़ा। जानवर राजा जो गुस्से में था, उसने ये जिवेन के हमले को उसी जगह महसूस किया और वह तुरंत चौंक गया, क्योंकि यह आक्रमण पास से बमबारी नहीं किया गया था बल्कि आकाश से गिर गया था, जैसे कि आकाश फट गया हो और उसमें से गिर गया हो। ऐसे साधन उसकी कल्पना से पूरी तरह बच गए हैं। असंभव। क्या अर्ध सम्राट का कोई स्वामी है? पशु राजा के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और वह दूर भाग गया। हम बचना चाहते हैं। ये जिवेन ठंडेपन से मुस्कराई, एक छाया की तरह आकाश को घुमाया और सीधे गिर पड़ी। टकराना। शीर्ष जानवर राजा को मौके पर ही कुचल दिया गया और उसका मांस सीधे खून की धुंध में बदल गया और फट गया। अगले ही पल जानवर राजा ने अपने शरीर को दुरुस्त कर लिया। उसकी आंखें डर से भरी थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी दूर से उस पर आक्रमण कर सकता है, जो उसके मूल ईश्वर की धारणा के दायरे में नहीं था। अपनी साधना से युवान भगवान बहुत लंबी दूरी तक देख सकता है। एक अलग जगह में छिपना भी बेकार है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह झटका कितना दूर का है। अर्ध सम्राटों के बीच भी इतना भयानक क्रॉस डोमेन हमला बहुत कम कर सकता है। हो सकता है कि ट्रांसमिशन एरे से ट्रांसमिट करना मुश्किल न हो, लेकिन अगर आप अपने खुद के हमले को दूसरे युद्ध के मैदान में भेजना चाहते हैं, तो यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग कर सकते हैं। संभावित सम्राटों में जो इस कदम को कर सकते हैं, वे दुर्लभ हैं और पौराणिक स्तर के करीब हैं। मैं अभी मरा नहीं हूँ। ये जिवेन थोड़ा हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बीस्ट किंग वास्तव में हमले के लिए प्रतिरोधी है। इस तरह के एक छापे में वह मरा नहीं था, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। कियांग, उसके हाथ की हथेली पर एक शक्तिशाली तलवार रयाल चमक रही है, जो सूर्य और चंद्रमा के सार को सोख लेती है और तुरंत उसे काट देती है। तलवार ने अंतरिक्ष चैनल को छेद दिया और सीधे जानवर राजा को काट दिया। मुझे नहीं पता कि कौन सा बड़ा यहाँ है। जानवर राजा करीब आना चाहता है। ऐसा भयानक अर्ध सम्राट उपस्थित है। यहाँ तक स्वर्गीय परिवार में भी एक अर्ध सम्राट होता है। मुझे डर है कि वह उसे बचा नहीं सकता। लेकिन ये शिवेन ने उससे अधिक कुछ नहीं कहा। टकराना एक और बड़ी दहाड़ थी। बीस्ट किंग का शरीर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया था और सभी युवान देवता नष्ट हो गए थे। ये जिवेन ने तलवार से सभी युवान देवताओं को काट दिया। यह तियान परिवार का प्रमुख तलवार का इरादा है। वह खुद तियान परिवार का ठग है, लेकिन अब वह तियान परिवार की चालों के हाथों मर गया, जो एक विडंबना भी है। डेड डेड
बाईचेन युआन ने बीस्ट किम की दुखद मौत को अपनी आंखों से देखा। अब तक वह अभी भी ऐसा लगता है जैसे वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्रॉस डोमेन हमला, ऐसा हमला उस सीमा से परे जाता है जिसे नग्न आंखें देख सकती हैं, और यहां तक युआन भगवान भी लंबी दूरी तक नहीं पहुंच सकते। जैसा कि मिथकों और किंवदंतियों में है, इससे बाईचेन कुलीन परिवार को भारी नुकसान हुआ, जिससे उन्हें जानवर राजा से नफरत हो गई। अप्रत्याशित रूप से वे बुरी तरह मर गए। केवल एक चाल के बाद दूसरी चाल मारी गई। इस तरह की दक्षता बहुत ही भयानक है। यह सड़क के किनारे गोभी नहीं है, बल्कि एक शीर्ष भगवान राजा है। यहाँ तक उनके पुराने पूर्वज बाईचेन राजा भी बेबस हैं। मरना इतना आसान था। इस समय वह अंत में समझ गया कि छिपे हुए राजा ने क्यों कहा कि उसके पास आंखें थीं और वह सोना और जेब नहीं जानता था। वास्तव में उसके पास आंखें थीं और वह माउंट ताई को नहीं जानता था। जब उसने एक राक्षस को सामान्य लोगों के विचारों से मापा तो स्वाभाविक रूप से उसे सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग उत्तर मिलेगा। उनकी राय में ये ज़िवेन की सीमा एक सामान्य ईश्वर राजा होनी चाहिए। अब वह समझता है कि वह गलत है। ऐसी ताकत निश्चित रूप से भगवान राजा से आगे निकल गई है और पौराणिक अर्ध सम्राट स्तर तक पहुंच गई है। अब जुंडी रोड के खत्म होने से पहले ही वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वह सिर्फ एक राक्षस है। इस समय वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है कि कुछ लोग खुद की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे इंसान हैं, लेकिन वे एक ही चीज नहीं है, और यहाँ तक उन्हें यह भी विचार है कि यह एक प्रजाति नहीं है। केवल बाईचेन युआन ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। यह भयानक आक्रमण भयावह था। यदि उन्हें बदल दिया जाता तो उनके पास इस तरह के आक्रमण का सामना करने का कोई रास्ता नहीं होता, जिसका बचाव बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। भगवान जानता है कि यह कहां से आया है। बाईचेन कुलीन परिवार के आश्चर्य की तुलना में यंगू में लोग हैरान होने के बाद बेहद खुश थे। इस परेशान दुनिया में स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन की ताकत जितनी मजबूत होगी, उनके जीवित रहने या उससे भी आगे जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तू ज़िवेन ने इस समय लोगों के झटके पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लड़ना जारी रखा। टकराना टकराना टकराना, स्वर्गीय परिवार के वे भगवान राजा जो परेशानी पैदा कर रहे थे, उन्हें एक एक करके ये ज़िवेन ने मार डाला। वे शीर्ष भगवान राजा भी नहीं है, और स्वाभाविक रूप से वे तू ज़िवेन के विरोधी नहीं है। कुछ ही सांसों में ये ज़िवेन ने उन सभी को मार डाला, और ये ज़िवेन ने अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से सभी रक्तसार को पकड़ लिया और संग्रहित कर लिया। इस समय बाईचेन कुलीन परिवार के युद्ध के मैदान पर दोनों पक्षों ने आखिरकार प्रतिबिंबित किया कि क्या हुआ था। बाईचेन कुलीन परिवार के लोग प्रेरित थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि सहायक कहां से आया है, वे स्पष्ट रूप से उनकी सहायता के लिए आए थे। गुरु आपका धन्यवाद। बाईचेन कुलीन परिवार के विशेषज्ञ एक के बाद एक चिल्लाते रहे, उम्मीद करते थे कि दूरी में छिपा यह अज्ञात बुजुर्ग उनकी कृतज्ञता महसूस कर सकता है। इसके विपरीत इस समय स्वर्गीय परिवार के स्वामी पूरी तरह से ढह चुके थे। विषम और शक्तिशाली दैवीय राजाओं के रूप में वे एक ही सांस में मारे गए। मतलब यही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो वे बिल्कुल लड़ सकते हैं। लगभग शोर की अवधि के बाद वे ढहने लगे और बहुत हंगामा हुआ। हालांकि उनमें से कई अच्छी तरह से प्रशिक्षित ताओवादी सैनिक थे, लेकिन अधिक लोग पूरी तरह से भयभीत थे। इसके अलावा बाईचेन कुलीन परिवार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनका पीछा किया। एक पल के लिए पूरी तियानजु सेना की रक्षा रेखा ढह गई। दृश्य पूरी तरह से एक तरफा नरसंहार था। मारना, बाईचेन कुलीन परिवार से एक जोरदार रोना आया और एक महान व्यक्ति बाहर निकला और सीधे तियान परिवार के विशेषज्ञों के पास पहुंचा। यह बहुत मजबूत है, ये ज़िवेन ने उन दिव्य राजाओं को सीधे हवा में मार डाला। बाईचेन युआन लगभग मौत से डर गया था। वह जानता था कि ये ज़िवेन बहुत शक्तिशाली थी। उसे डर था कि कुछ देवता उसके विरोधी नहीं थे, लेकिन वह अब से कहीं कम भयानक था। वह हवा में देवताओं को मार सकता था। यह वास्तव में अर्ध सम्राटों का एक साधन है। साधारण अर्ध सम्राट ऐसा नहीं कर सकते। क्या यह अभी भी मानव है? बाईचेन युआन के पीछे कई युवा प्रतिभाओं ने लगभग पेशाब कर दिया। वे दंग रह गए और पीला पड़ गया। उन्हें सांस लेने में लगभग मुश्किल महसूस हुई। इस समय वे वास्तव में समझ गए थे कि तू ज़िवेन की ताकत के डर का स्तर उनके बराबर नहीं था। मूल रूप से क्योंकि वे ऐसे राजा सीलिंग संप्रदाय में पैदा हुए थे, उन्हें बचपन से ही जीनियस और एलीट के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि छिपी हुई घाटी अपेक्षाकृत मजबूत है, यह सिर्फ एक राजा सील संप्रदाय है। उन्हें नहीं लगता कि कुछ भी महान है। हालांकि ये ज़िवेन को हिडन वैली के सबसे उत्कृष्ट शिष्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह उनके लिए कुछ भी नहीं है। यह बाईचेन युआन की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। अब ऐसा लगता है कि यह शक्तिशाली से अधिक है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती। वास्तव में बाईचेन युआन उसे जूते देने के लिए भी योग्य नहीं है। घाटी मास्टर वास्तव में शक्तिशाली है, छिपे हुए राजा ने अपने दिल से कहा। वह शीर्ष 10 दिव्य राजाओं की ताकत से अभी अभी टूटा है।
यह उसके संतुष्ट होने का समय है। लेकिन अब जब उसने वास्तव में यक्षिबेन का हाथ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी इससे बहुत दूर था। भले ही यह शीर्ष 10 देव राजाओं के स्तर तक पहुंच गया हो, यह अभी भी काफी दूर है। बड़े मार्शल भाई, मैं खुश हूँ, यक्षिबेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कौशल से इस तरह के स्तर को हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। हल्के फुल्के वजन को अभी उठाना और इन दिव्य राजाओं को आसानी से हल करना असंभव था। आखिरकार यह एक क्रॉस डोमेन डिलीवरी अटैक है, इसे अंतरिक्ष के नियमों की अत्यंत गहरी समझ होनी चाहिए और अंतरिक्ष चैनल की स्थिरता को बनाए रखते हुए इसकी शक्ति आकाश के विरुद्ध होनी चाहिए। साथ ही भगवान राजा को मारने के लिए पर्याप्त अपराध होना चाहिए, जो कि अर्ध सम्राटों के बीच भी बहुत कम हो सकता है। जब आप निर्देशांक जानते हैं, यदि आपके पास निर्देशांक नहीं है तो आपकी आंखें काली होंगी। महान सम्राट की तरह पूरे ब्रह्मांड की खोज क्षमता केवल एक किंवदंती हो सकती है। ऐसा करने की उनकी क्षमता स्वाभाविक रूप से समय वस्त्र के साथ अंतरिक्ष चैनल को स्थिर करने के लिए समय वस्त्र की क्षमता पर निर्भर करती है। लेकिन यह कदम बहुत महंगा है। यदि आप बाईचेन युवान को डराना नहीं चाहते हैं और उनके बीचेन कुलीन परिवार को जीतना नहीं चाहते हैं, तो यक्षिबेन सीधे उड़ना पसंद करेंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इससे काफी बचत हो सकती है। लेकिन अब उसने बाईचेन युवान और अन्य लोगों को स्तब्ध देखा। वह जानता था कि लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और पूरी तरह से सफल हो गया है। बाईचेन युवान, अब आपके बीचेन कुलीन परिवार की समस्या हल हो जानी चाहिए थी। मैंने इन सभी दिव्य राजाओं को मार डाला, यक्षिबेन ने बाईचेन युवान को देखा और कहा। धन्यवाद गठबंधन नेता, बाईचेन युवान के मुंह बदलने की गति भी बहुत तेज है। यक्षिबेन की आतंकवादी ताकत को देखने के बाद उसके पास और कोई विचार नहीं है। इस परेशान दुनिया में वह एक शक्तिशाली नेता का अनुसरण कर सकता है। यह संकट से निकलने का एक शानदार तरीका भी है। बाईचेन कुलीन परिवार के लिए वह पूरी तरह से चिंतित नहीं है। यहाँ तक भगवान राजा को भी मार दिया गया है। अगर बाईचेन कुलीन परिवार के पास इसे हल करने का कोई तरीका नहीं है, तो यह दरवाजे को मारने का समय है। नेता के बिना शेष त्यानजू विशेषज्ञों को केवल पानी के कुत्ते को हराने की जरूरत है। यंगू के कई विशेषज्ञ बाईचेन युवान की आंखों से संतुष्ट हैं। ये बाईचेन कुलीन परिवार के लोग अभी भी बहुत जानकार हैं और छिपे हुए गठबंधन की स्थापना के विचार से वे सम्राट की विरासत के साथ तुलना करने में सक्षम होंगे। अनगिनत वर्षों तक जीवित रहने वाले ये पुराने राक्षस उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकते। उस मामले में आप अभी वापस जा सकते हैं। उस समय बाईचेन किंग को गठबंधन पर चर्चा करने के लिए स्वयं आने दें, यक्षिबेन ने कहा। मैं उस समय एक लीग बैठक आयोजित करूंगा। हमारी गुप्त लीग में शामिल होने वाली सभी ताकतें भाग ले सकती हैं। उस समय विशिष्ट बातों पर धीरे धीरे चर्चा की जा सकती है। इससे पहले हमने केवल छिपे हुए गठबंधन के अस्तित्व को स्थापित किया था, विशेष रूप से कैसे बाईचेन कुलीन परिवार को छिपे हुए गठबंधन में शामिल होना चाहिए, छिपी हुई घाटी के साथ संबंध, हितों और दायित्वों का वितरण। इन पर एक एक करके चर्चा करनी है, एक शब्द में नहीं। आखिरकार दोनों पक्ष शाही संप्रदाय के स्तर पर दिग्गज हैं। हर कदम अनगिनत लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा होता है और जल्दबाजी में फैसला लेना असंभव है। हालांकि इनका यक्षिबेन से कोई लेना देना नहीं है। स्वाभाविक रूप से छिपे हुए राजा और अन्य लोग उनसे निपटेंगे। घाटी के नेता के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। बाईचेन युवान के एक जटिल मनोदशा के साथ चले जाने के बाद यक्षिबेन ने फिर कहा, हम सभी देखते हैं कि अब स्वर्ग की दुनिया अराजकता में है और अब हमारी पीढ़ी के उठने का समय आ गया है। घाटी मास्टर ने क्या कहा है? अभी अभी बाईचेन कुलीन परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद हर कोई पूरी तरह से कायल हो गया है। यिनमैन की बात असंभव नहीं है, इसके विपरीत यह बिल्कुल संभव है। एक बार पहुंचने के बाद वे भी समृद्ध होंगे। स्वाभाविक रूप से वे यक्षिबेन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। अब वरिष्ठ भाई यिनवांग, संप्रदाय के मामलों का फैसला करना आपके ऊपर है। मैं बाहर जा रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या कुछ और है जो मैं मदद कर सकता हूं। उस समय मैं संघ के और संप्रदायों को लाऊंगा गठबंधन। केवल यंगो और बाईचेन कुलीन परिवार, क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं है? यक्षिबेन ने कहा। सप्ताह के दिनों में छिपी हुई लीग को केवल उनकी ताकत को कम करने के लिए उपहास किया जाएगा, लेकिन अब यह अलग है। अगर यक्षिबेन उनकी मदद कर सकते हैं तो उन्हें वैसे भी आभारी होना चाहिए। भले ही वे छिपे हुए लीग में प्रवेश न करें, वे संभावित समर्थक हैं। इस परेशान दुनिया में गर्म रहने के लिए एक साथ रहकर ही हम इस बड़ी आपदा से निकल सकते हैं। इससे वे अनभिज्ञ नहीं हो सकते। तू जीवन के दिल में भी एक विचार था, यानी इस अवसर को अपनी खेती को तेज करने और खुद को एक सांस में साम्राज्य के शिखर तक पहुंचाने के लिए। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लंबवत और क्षैतिज हो सकते हैं, अन्यथा वह दानव राजा के खजाने के घर से बाहर नहीं आएगा। हालांकि इसमें खेती की गति बहुत तेज है, ताओवादी फल, स्पष्ट दिल वाले प्राचीन पेड़ और पर्याप्त सम्राट स्रोत हैं, यह पर्याप्त नहीं है।
कठिन समय आ गया है और साधारण साधना की गति कठिन समय के सामने बहुत धीमी लगती है। केवल निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से ही हम अनंत अवसर प्राप्त कर सकते हैं और सीधे राज्य के शिखर पर पहुंच सकते हैं। पिछले युद्ध के दौरान हमारे कई शिष्यों ने छिपी हुई घाटी के ऊपर से लेकर नीचे तक योगदान दिया। ये पुरस्कार है। येजीवेन ने अपना बड़ा हाथ लहराया और अनगिनत पवित्र वस्तुएं उड़ गईं। ये सभी येजीवेन द्वारा उसके शुरुआती वर्षों में प्राप्त किए गए थे। हालांकि येजीवेन ने स्पिरिट स्टोन को जल्दी से खा लिया, लेकिन इनमें से कई पवित्र वस्तुएं बची रहीं। क्योंकि येजीवेन की साधना उनके अनुयायियों के सुधार के साथ बदल गई, वहां लगभग सब कुछ था। रहस्यमय, अर्ध दिव्य, उपदेशक, अमर और ऋषि भी हैं। हालांकि ये कीमती है, ये क्षिवेन के लिए बहुत कम उपयोगी है। वे सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए वितरित किए जाते हैं। इतने सारे लोगों की आंखें सीधी होनी चाहिए। साधारण भगवान राजा के पास धन का यह दसवां हिस्सा भी नहीं है। यद्यपि येजीवेन के लिए शेन्युवान दायुवान अक्सर अपर्याप्त उपयोग का सामना करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह निश्चित रूप से दूसरों की नजर में एक सुपर स्थानीय अत्याचारी है। ऊपर और नीचे छिपी हुई घाटी यह धन्य है। छिपे हुए राजा ने अपना आश्चर्य वापस लिया और खुशी से कहा, हिडन वैली का निर्माण उन्होंने किया था। स्वाभाविक रूप से मुझे आशा है कि वह बेहतर और बेहतर विकास कर सकता है। जब मैं दूर होता हूँ तो वरिष्ठ भाई यिनवांग भी अधिक से अधिक विशेषज्ञों की भर्ती कर सकते हैं। जहाँ तक वफादारी की बात है, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। अब हमें स्वर्गीय परिवार के खिलाफ अपनी ताकत को सबसे बड़ी सीमा तक एकीकृत करने की जरूरत है, येजीवेन ने कहा। ब्रह्मांड में जासूसों का पता लगाने के कई साधन हैं। बेशक उन्हें बड़े पैमाने पर इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल है, लेकिन बाद में इन समस्याओं को धीरे धीरे हल किया जा सकता है। कोई बात नहीं, बस ये दुनियावी चीजें मुझ पर छोड़ दो। छिपे हुए राजा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, येजीवेन ने कहा। पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और एक पल में गायब हो गया, लेकिन एक ही पल में एक और आकृति या येजीवेन प्रकट हुई। लेकिन हर कोई जानता है कि यह बुद्ध नहीं है, बल्कि एक अलग शरीर है। बुद्ध येजीवेन चले गए हैं। हालांकि येजीवेन जून अब यहाँ नहीं है, उन्होंने एक अलग निकाय छोड़ दिया, मुख्य रूप से येजीवेन से संपर्क करने के लिए, ताकि वह जान सके कि समय पर यहाँ किस तरह की स्थिति है। आप समय पर वापस आ सकते हैं। मैं शहर में छोटे मार्शल भाई तू के लिए भाग्यशाली हूँ, छिपा राजा आहें भरे बिना नहीं रह सका। भीड़ ने उत्तराधिकार में सिर हिलाया। येजीवेन छेद को साफ करने वाले वज्र की तरह मजबूत था, लेकिन उसने सभी को एक बड़ी आशा दी। तू जीवेन ने छिपी हुई घाटी से बाहर कदम रखा और छिपी हुई घाटी में सेना ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। उसका अब एक ही मकसद है, जो है खुद को ज्यादा से ज्यादा सुधारना। उसके दिल में एक हल्का पूर्वाभास है कि वर्तमान उथल पुथल सिर्फ शुरुआत है और असली बड़ी मुसीबत अभी भी आगे है। विशेष रूप से सम्राट का विद्रोह गायब है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। एक बार जब सम्राट का विद्रोह वास्तव में ताओ को प्राप्त हो जाता है, तो यह स्वर्ग और दुनिया के लिए एक बड़ी आपदा होगी और यहाँ तक वे भी बच नहीं सकते। येजीवेन की गति इतनी तेज थी कि उसके दिमाग में हजारों विचार कौंद गए, लेकिन उसका शरीर धीमा नहीं था। एक पल में उसने कई जगहों और दुनिया को पार कर लिया था और अनगिनत युद्धों को फैलते देखा था। इस समय उन्हें त्यानजू की ताकत की सहज समझ थी। एक राष्ट्र की शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी की सभी जातियों से लड़ने का क्या मतलब है। ये तीन नस्लें हैं जो अब दुनिया पर हावी हैं। ऐसा करना टैरान राक्षसों और राक्षसों के लिए असंभव है। युद्ध लगभग हर जगह देखे जा सकते हैं और त्यानजू हर जगह उग्र है। कुछ देर सोचने के बाद येजीवेन अपने माता पिता और अन्य लोगों को लेने के लिए सबसे पहले जेनवू दुनिया में लौटी। शांतिकाल में किसी ने भी उनकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता के कारण उन्हें स्थानांतरित करने का साहस नहीं किया, लेकिन अब त्यानजू उनकी परवाह नहीं करेगा। अगर उन्होंने पहला कदम उठाया तो यह बुरा होगा। इस विचार के साथ येजीवेन ने तुरंत कार्रवाई की और जेनवू दुनिया की दिशा में उड़ान भरी। एक पल में उसने बहुत सी जगह ले ली और शैतान का पंख उसके पीछे था, जिसने उसे उत्कृष्ट डिग्री और अजेय बना दिया। संसार के पतन के न जाने कितने दृश्य रास्ते में देखे हैं। इसे अत्यंत दुखद कहा जा सकता है। यह स्वर्ग की पूरी दुनिया के लिए एक आपदा है, बिल्कुल स्वर्ग से मिले दंड की तरह। हालांकि तू जीवेन ने इस समय उनकी परवाह नहीं की। उसके दिल में जेनवू दुनिया अधिक महत्वपूर्ण थी। जल्द ही वह जेनवू दुनिया में लौट आया था और डिग्री लगभग शीर्ष पर थी। अतीत में यह निश्चित रूप से अकल्पनीय था। हालांकि उसने अभी जेनवू दुनिया की सीमा में प्रवेश किया है। एक पल में वह अप्रत्याशित रूप से एक अलग स्थान में प्रवेश कर गया। यह स्थान पहाड़ों और पानी के साथ अतुलनीय रूप से विशाल है, जैसे कि यह एक वास्तविक दुनिया हो। हालांकि टू जीवेन की उपलब्धियों को लगभग तुरंत देखा गया था। यह वास्तविक दुनिया नहीं है, बल्कि एक विशाल सरणी है। किसी ने पूरी जेनवू दुनिया को इस सरणी से ढंक दिया। ये जीवेन तुरंत समझ गई।
कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अचानक लगा कि वह जेनवु दुनिया में लौटना चाहता है। ऐसी स्थिति निकली जब वह अपने अभ्यास में इस मुकाम पर पहुंचा, तो स्वाभाविक रूप से कोई आकस्मिक सनक नहीं हो सकती थी। यह कुछ होना चाहिए, भगवान उसकी याद दिला रहे हैं। यह सरणी इतनी उत्तम है कि यह दुनिया में विकसित हो सकती है। ये क्षिवेन थोड़ा हैरान थी। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत व्यूह देखे हैं, जिनमें से कई बेहतरीन हैं। ऐसे कई प्रकार के व्यूह हैं जो लोगों को एक हताश स्थिति में गिरा सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई इतना उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। इसने पूरी दुनिया को विकसित करने के लिए किसी विशेष तरीके का इस्तेमाल किया होगा, जिसने ये क्षिवेन को थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। ये जीवन जेनवु दुनिया की दिशा में उड़ना जारी रखती है। समस्या कैसी भी हो, हमें जाकर देखना चाहिए। जल्दी उन्होंने जेनवु दुनिया की दिशा देखी, लेकिन इस समय जेनवु दुनिया भी इस सन्नी में डूबी हुई थी। पूरी जेनवु दुनिया में जेनवु तलवार ऊंची उठी और पूरे व्यूह को कुचलने का विरोध कर रही थी। ऐसा लगता है कि यह सन्नी पूरी जेनवु दुनिया को टुकड़ों में कुचल रही है। जेनवु तलवार विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह हार गई है और विरोध नहीं कर सकती। हालांकि जेनवु तलवार अच्छी है, पूरी सन्नी अधिक उत्तम है। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, तुरंत सीधे नीचे गिरे और आसमान से टकरा गए। कुचली हुई सन्नी की शक्ति पूरी तरह से टूट गई थी। जेनवु की तलवार खुशी से चहक उठी और सीधे ये क्षिवेन के हाथ में जा गिरी। उन वर्षों में वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, इसलिए तू जीवेन बस दिखाई दिया और जेनवु तलवार द्वारा दिखाया गया। छोटा मार्शल भाई ये, एक तेज आवाज आई और फिर एक आकृति उड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था जिसे हुआंगवूजी ने लंबे समय से नहीं देखा था। बस इसी समय हुआंगवूजी का चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। इस समय के दौरान दुनिया अराजकता में थी और यहाँ तक जेनवु दुनिया भी प्रभावित हुई थी। छिपी हुई घाटी की दिशा की तुलना में यह स्थान केवल एक दूरस्थ क्षेत्र है। इसलिए हालांकि तियानजु के भूतिया और उत्पीड़न के विशेषज्ञ हैं, यह वास्तविक संकट नहीं है। पर तब भी हुआंगवूजी अभी भी थका हुआ है। ऐसी आपदा में राजा सीलिंग संप्रदाय भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, एक साधारण संप्रदाय तो दूर की बात है। आज का स्वर्ग और दुनिया न जाने ऐसे कितने संप्रदायों और जातियों का विनाश कर रही है और उनके पास प्रति मिनट मरने के लिए कोई जगह नहीं है। ये जीवेन को प्रकट होते देख हुआंगवूजी को राहत मिली। हालांकि ये जीवेन वर्षों में कई बार वापस नहीं आया, लेकिन उसने हर बार पूरी जेनवु दुनिया और जेनवु स्कूल को बचाया। इसलिए उसके दिल में उसने एक विचार बना लिया है कि जब तक ये जीवेन प्रकट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। वास्तव में वह अभी वापस आया और जेनवु दुनिया में संकट को तोड़ दिया। इस सन्नी ने उन्हें लड़ने में असमर्थ बना दिया और तू जीवेन ने आसानी से इसे तोड़ दिया। एल्डर मार्शल भाई, क्या जेनवु अब ठीक है? ये क्षिवेन ने थोड़ा गरिमा में दिखते हुए पूछा। यह सन्नी सरल नहीं है। यह ठीक है, लेकिन अगर आप बाद में वापस आते हैं तो यह जरूरी नहीं है। यह सन्नी भयानक है, हुआंगवूजी ने अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ कहा। अपनी साधना और हैसियत से ऐसे शब्द कहने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे व्यूह ने उस पर कितना दबाव डाला है। यह बहुत परेशानी है, ये जीवेन ने कहा, लेकिन सौभाग्य से यह बहुत परेशानी भरा नहीं है। इस बार मैं जेनवु दुनिया के लिए वापस आ गया हूँ। अच्छी बात है, हुआंगवूजी को यह देखकर राहत मिली कि तू जीवेन ने जो कहा वह बस थोड़ी सी परेशानी थी। वह जानता था कि ये क्षिवेन ज्यादा बातूनी नहीं थी। अगर उसने ऐसा कहा तो मुझे डर है कि उसने ऐसा किया। छोटा मार्शल भाई, अभी बाहर क्या हो रहा है और अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? हुआंगवूजी ने पूछा। क्यों, ये जीवेन की तुलना में जेनवु एक दूरस्थ स्थान पर स्थित है और स्तर बहुत कम है। इन रहस्यों को जानने का कोई उपाय नहीं है। मुझे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था और अचानक ऐसा हो गया। ये जीवेन ने इसे नहीं छुपाया और तुरंत उसे ये बातें बताई। हुआंगवूजी ठंडी सांस लेने और हर तरफ पसीना आने से नहीं रोक सका। यदि यह अतीत में था तो वह शायद नहीं जानता था कि तियानजु क्या है। अब ये जीवेन के अस्तित्व के साथ जेनवु समुदाय और बाहरी दुनिया के बीच अधिक से अधिक आदान प्रदान हो रहा है। स्वाभाविक रूप से यह बहुत स्पष्ट है कि तियानजु कितना भयानक अस्तित्व है। हालांकि वे मूल रूप से केवल एक प्रकार की भयानक किंवदंतियां थीं। अब पौराणिक जाति ने वास्तव में मुहर तोड़ दी और वापस आ गई। यह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे बेहद हैरान और चिंतित कर देता है। तियानजु एक ही समय में स्वर्ग और दुनिया के अस्तित्व का विरोध कर सकता है। जेनवु दुनिया जैसी ताकतें बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। वे तोप के चारे जितने अच्छे भी नहीं है। परमेश्वर के स्तर का कोई भी विशेषज्ञ जेनवु दुनिया को भेज सकता है। उनके पास वास्तव में बचने के लिए कोई जगह नहीं है, खासकर जब स्वर्ग और दुनिया युद्ध की आग में फंस गई हो। बड़े मार्शल भाई, चिंता मत करो, मैं इस बार इस समस्या को हल करने के लिए वापस आया हूँ। मैं सीधे जेनवु दुनिया को ले सकता हूँ। उस समय युद्ध यहाँ नहीं फैलेगा, ये सिवेन ने कहा।
एक दुनिया को जीवित रखने के लिए उसकी खेती अभी भी खराब है, लेकिन समय के वस्त्र से उसे मदद नहीं मिली है। इसे समय की शक्ति से सीधे लेने का कोई दबाव नहीं है। अधिक से अधिक इसमें कुछ सम्राट संसाधनों का खर्च आता है। अब यह इतना खतरनाक है, लेकिन उसके माता पिता यहाँ है। हम उसे कैसे आश्वस्त कर सकते हैं? उस समय जुनशान कोई मायने नहीं रखता। इसके बजाय यह सम्राट चयन रोड में है, जो लंबे समय से बंद है। यहाँ तक अर्ध सम्राट स्तर भी वहाँ की सील को तोड़कर सम्राट चयन मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अन्यथा इतने सालों से अर्ध सम्राट सड़क टूटी हुई है। पूरी दुनिया ले लो, हुआंग हुजी ने येजिवेन को गहराई से देखा और हैरान रह गया। कई साल पहले की तुलना में तो जिवेन की ताकत में छलांग और सीमा में सुधार हुआ है। मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। अब उसका बाहरी दुनिया के साथ अधिक से अधिक संपर्क है और ईश्वर का स्तर उसके लिए अजनबी नहीं है। इसलिए यह भी बहुत स्पष्ट है कि एक भयानक साधना पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाने के लिए क्या कर सकती है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार बचा था, यह छोटा मार्शल भाई ये था। इस समय येजिवेन उसके दिल में एक घटना और एक चमत्कार बन गया है, जो कि वह अस्तित्व नहीं है जिसे वह देख सकता है। ठीक है, हाँ, यह युद्ध को अलग कर सकता है। येजिवेन ने कहा कि वह समय की आड़ में जैनवू दुनिया को सील कर सकता है और उथल पुथल तक प्रतीक्षा कर सकता है। बेशक इससे जैनवू दुनिया भी उसके साथ जुड़ जाएगी। एक बार जब वह गिर जाता है तो पूरी जैनवू दुनिया एक साथ ढह जाएगी, लेकिन यह सबसे सुरक्षित तरीका है जब हम आड़ों के फूलों का बगीचा नहीं खोज सकते। इसके अलावा येजिवेन को विश्वास है कि वह गिरेगा नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी से उसका जीवन चाहते हैं। हालांकि जब तक सम्राट नहीं आता, वह अपनी रक्षा करना सुनिश्चित करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस अपने छोटे मार्शल भाई की बात सुनो। हुआंग हुजी ने सिर हिलाया और तुरंत कहा। उन्हें बहुत राहत मिली कि जैनवू दुनिया ने इस संकट को पार कर लिया है। वैसे यह सरनी कैसे आई? बड़े मार्शल भाई, क्या आपके पास कोई सुराग है? येजिवेन ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दानव युद्ध के मैदान से है और लगता है कि कोर वहां खत्म हो गया है, हुआंग हुजी ने कहा। वह दिव्य मकबरा क्षेत्र, येजिवेन की भौहें तन गईं। परवाह करने वाली कोई बात नहीं थी। यदि होते तो यह केवल किन सम्राट से संबंधित हो सकते थे, वह स्थान जहां किन सम्राट ने अनगिनत दानव देवताओं का दमन किया था। कोई बात नहीं, मैं पहले जैनवू दुनिया को हटा दूंगी। तू जिवेन के पास इस समय वापस जाने और अपने माता पिता से मिलने का समय नहीं था। वह तुरंत जैनवू दुनिया से बाहर चला गया, फिर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और अचानक जैनवू दुनिया में उसे पकड़ लिया। समय की अनगिनत ताकतों ने पूरी जैनवू दुनिया को लपेट लिया है। अगले ही पल जैनवू दुनिया गायब हो गई। पूरा ब्रह्मांड खाली है, अंतरिक्ष में अनगिनत दरारें भड़क रही हैं और अंतरिक्ष अशांति प्रचंड रूप से उड़ रही है। यह दीवार से सीधे ईंट लेने जैसा है, बड़ा गड्ढा हो जाएगा। जैनवू दुनिया भी इसी अंतरिक्ष में सन्निहित है। येजिवेन ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा। इस पकड़ ने वास्तव में उनके असीम मान का 7788 उपभोग किया और एक दुनिया को स्थानांतरित कर दिया। यह वास्तव में एक मानवीय बात नहीं है। एक साधारण अर्ध सम्राट के लिए बिना समय वस्त्र के ऐसा ताओवादी यंत्र बिल्कुल नहीं कर सकता। जैनवू दुनिया को शामिल किए जाने के बाद येजिवेन तुरंत युद्ध के मैदान में चले गए, जहां अनगिनत दानव देवताओं और दानव देवताओं को दफनाया गया था। उस युद्ध के मैदान में बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं। येजिवेन के भगवान बनने के बाद भी वह अभी भी वास्तव में नहीं समझ सकता है। उनमें से सम्राट किन के साधन है जो रहस्यमय और अद्भुत है? वह क्या है? ये जीवेन जल्द ही प्राचीन युद्ध के मैदान के करीब पहुंच गई। अचानक उसने केवल यह देखा कि पूरे युद्ध के मैदान की रखवाली करते हुए अनगिनत कलाकृतियां आकाश में तैर रही थीं। कोर क्षेत्र में कोर सरनी बनाने के लिए 9981 सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां थीं। कहने की जरूरत नहीं है, यहां तक भगवान राजा हर कोई सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र नहीं कर सकता। 23 दूसरे शब्दों में 99 सर्वोत्तम कलाकृतियों के साथ आने के लिए कम से कम सैकड़ों देवताओं की आवश्यकता होती है। कौन सा परिवार है, इसकी इतनी बड़ी भावना है? यह एक बड़ा हाथ है। कई भगवान राजाओं के पास शीर्ष श्रेणी की कलाकृतियां भी नहीं है। यहां तक येजिवेन का भी अब इतना बड़ा हाथ नहीं है। जल्द ही येजिवेन ने धर्म व्यूह के केंद्र में प्रवेश कर लिया था। उसने केवल इतना देखा कि युवक और युवतियों का एक समूह पवित्र समाधि को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। कब्र की गहराई में एक बड़ी गर्जना हुई। पवित्र मकबरे में कई देवता हैं जो कई वर्षों से गायब नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि तुजिवेन को भी संदेह है कि कुछ देवता बदल गए होंगे। हालांकि सम्राट किन द्वारा छोड़ी गई एक सरनी है, यह स्पष्ट नहीं है कि वे कई वर्षों के बाद कितनी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान राजा के स्तर के कई शक्तिशाली प्राणी भी हैं जिन्हें यहाँ दफनाया गया है। उन दिनों राक्षसों की दुनिया और राक्षसों की दुनिया ने संयुक्त रूप से स्वर्ग पर आक्रमण किया।
उस समय दैत्य परिवार और दैत्य परिवार के लगभग शीर्ष विशेषज्ञ एकत्रित हुए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनमें किस तरह के विशेषज्ञ दिखाई दिए। यहाँ तक कि हमें उन विशेषज्ञों को भेजने की भी आवश्यकता है जिन्होंने राजा के क्षेत्र को उसमें बैठने के लिए सील कर दिया। उन्हें भी काफी चोट आई और वे सीधे गिर पड़े। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की पवित्र मजार कितनी खतरनाक है। उस समय ये जीवन परिधि के और भी करीब था और उसने लगभग अपना रास्ता पकड़ लिया था। उसने अब क्या देखा? सम्राट किन द्वारा निर्धारित सरनी पूरी तरह से खोल दी गई थी और ये युवक और युवतियां इसमें लड़े थे। इस पवित्र मकबरे में बहुत सी धारणे जो जीवित प्राणियों की तरह नहीं थी उससे निकली। ये जीवन ने शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं को उसमें भटकते हुए देखा और परमेश्वर राजा स्तर की लाशें लाशें होने का नाटक कर रही थी। यदि इन शक्तिशाली मृत वस्तुओं को सरनी के दमन से अलग किया जाता है तो एक बार कुछ हो जाने पर यह एक बड़ी आपदा बन जाएगी। इस वजह से प्राचीन चार राजा एक के बाद एक इसे दबाने के लिए यहाँ आए। यह काफी खतरनाक है। लेकिन अब ये शक्तिशाली राक्षस जो एक बार शिखर के पतन का कारण बने थे, भगवान राजा को घेर लिया गया और मार दिया गया। उन्हें पीटा जाता है और पीछे हट जाते हैं। वे बिल्कुल विरोधी नहीं हैं। ये युवा इतने शक्तिशाली हैं कि ये सभी राजा हैं। कौन सा बल समाप्त हो गया? अप्रत्याशित रूप से इतने सारे दिव्य राजा यहाँ एकत्रित हो गए। ये क्षिवेन ने इसे तुरंत पहचान लिया। यह स्वर्गीय परिवार की सांस थी, कहने की बात नहीं। यदि यह स्वर्ग के बीच एक शक्ति होती तो ये जीवन कुछ भी नहीं सुन सकते थे। अब जब सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं एकीकृत हो गई हैं, तो अपने दम पर लड़ना असंभव है। ऐसा लगता है कि ये शिवेन की घुसपैठ से वाकिफ है। तुरंत कई युवक और युवतियां अचानक दूर से उड़कर आए और सीधे ये शिवेन की ओर दौड़ पड़े। मानव जाति के भगवान राजा, अगर तुम जल्दी से घुटने नहीं टेके तो हम तुम्हें मार देंगे। जब इन युवक और युवतियों ने देखा कि ये जीवन केवल एक साधारण परमेश्वर राजा थे तो उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उन्होंने बस यही सोचा कि ये जीवन मानव जाति के बीच एक साधारण ईश्वर राजा थे। आप कौन हैं? ये शिवेन जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय उसने उन्हें देखा और पूछा। हम, अच्छा सवाल, युवकों में से एक ने कहा, मनुष्यों आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। हम सभी स्वर्गीय परिवार के सम्राट के राजकुमार हैं। अब हमारे पास एक बड़ा आदमी है जो आप पर क्रश है और आपको दास के रूप में लेना चाहता है। तेरी इज्जत है। उस वयस्क के बाहर आने के बाद उसने गुलाम नहीं लिया, तुम स्वर्ग की दुनिया में उसके पहले गुलाम बनोगे। त्यानजू शाही राजवंश। ये जीवन तुरंत समझ गई कि ये लोग सील के दूसरे छोर से भाग रहे त्यानजू विशेषज्ञ होने चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे विशेषज्ञ हैं। सामान्यतया स्वर्ग की दुनिया में रहने वाले त्यानजू विशेषज्ञ खुद को शाही राजवंश कहने की हिम्मत नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। सबसे जास्ती डायनेस्टी है क्योंकि साधारण राजाएं हैं। त्यान परिवार का शाही राजवंश स्वर्ग की दुनिया में सम्राट की विरासत के बराबर है। स्वाभाविक रूप से इन त्यान परिवार के शाही राजवंशों के राजकुमार को सम्राट की विरासत में बड़ों और कुलीन शिष्यों के समान होना चाहिए, जो वो कबीले में जी लोगों के राजा की स्थिति के बराबर है। इस समय तू जीवेन ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें सम्राट किन के पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे अपने दिव्य राजाओं के बल से यहाँ विशेष रूप से न आए, जो इस योग्य ही नहीं है। उस समय ये जीवेन में भी सम्राट किन की ऊर्जा थी, इसलिए उनकी खेती में भी बहुत सुधार हुआ था। त्यानजू शाही राजवंश के राजकुमारों के व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों से यह देखना मुश्किल नहीं है कि सील जीतने के लिए लगभग मजबूर है। यह इतने सारे दिव्य राजाओं को अंदर और बाहर समायोजित कर सकता है। यह तूफान आम लोगों की कल्पना से भी कहीं अधिक प्रचंड रूप से चलेगा, लेकिन ये जीवेन के लिए अच्छी बात है। वह नहीं जानता कि मुहर में क्या चल रहा है। अब उसने त्यान परिवार के राजकुमारों को पकड़ा और उनसे पूछा। साधारण त्यानजू को त्यानजू की योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये राजकुमार अलग हैं। वे जी रेनवांग स्तर के अस्तित्व के बराबर हैं, जो कि तू जीवेन के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य, क्या तुम बहरे हो? सुना नहीं, हम में बड़े बड़े लोग हैं जो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। यह सभी उम्र से आपकी आज्ञाकारिता है। अग्रणी युवकों में से एक तुरंत थोड़ा गुस्से में दिख रहा था और बोला। उसका भगवान बहुत घमंडी था, लेकिन उसे एक चीटी ने नजरअंदाज कर दिया और वह अपने दिल में बेहद दुखी था। हालांकि वह डर गया था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मानव क्या सोच रहा था कि कैसे उन सभी को पकड़ा जाए और जो जानकारी वह चाहता है उसे प्रताड़ित किया जाए। नहीं तो उसे डर था कि वह पूरी तरह से मुंह फेर लेगा। मुझे एक गुलाम के रूप में ले लो। कितना बहादुर, ये शिवेन ठंडेपन से मुस्कुराए। जब युवक ने ये जीवन को उपहास करते देखा तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सका, जैसे कि उसने कुछ सबसे मजेदार देखा हो। क्यों मनुष्य, क्या हम स्वर्गीय परिवार के राजकुमार आपके स्वामी होने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि हमारा स्वर्गीय परिवार कई वर्षों से स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं आया है, इसलिए आप विनम्र प्राणी हमारी महिमा को पूरी तरह से भूल गए हैं। त्यानजू की महिमा।
हाहाहा, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मूर्खों के एक समूह को दो बार निर्वासित किया गया है। ये ज़िवेन ने उपहास किया। स्वर्गीय परिवार के राजकुमार उतने ही अहंकारी हैं जितने की प्राचीन पुस्तकों में दर्ज हैं। उन त्यानजू शेष बुराइयों से अलग अनगिनत वर्षों तक सभी राष्ट्रीयताओं की गठबंधन सेना द्वारा दबाए जाने के बाद उन त्यानजू शेष बुराइयों ने अपने दिल में अपने गर्व को पूरी तरह से रोक दिया है। यदि उनका पीछा करने वाले सभी जातीय समूहों की सहयोगी सेना विनम्र तिलचीतियां हैं तो वे क्या हैं? बड़प्पन ताकत पर निर्भर करता है, अपने दम पर नहीं, जिसे वे बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। तियानों के शेष पापों से भिन्न तियान जिन्हें अभी अभी मुहर से मुक्त किया गया है स्पष्ट रूप से ऐसी अनुभूति नहीं है। उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पैतृक शिक्षाओं में वे स्वर्ग और पृथ्वी के एकमात्र स्वामी हैं और स्वर्ग और पृथ्वी में रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये सिवन का सामना करते समय भले ही वह वही भगवान राजा था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। यह तिल चींटी को देखने जैसा था। कोई भी तियानजू का विरोधी नहीं है, कहने की बात नहीं है कि उनके पास इतने सारे लोग हैं और उनके सामने मानव केवल एक व्यक्ति है और उनकी व्यूह रचना में प्रवेश कर चुका है। चूंकि वे प्रवेश कर चुके हैं इसलिए बचना असंभव है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? युवक ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली जैसे उसने गलत सुना हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन इस तरह बोलने की हिम्मत करेगी। यह कुछ ऐसा है जो उनके संज्ञान में मौजूद नहीं है। उनके विचार में वे उन्हें दास के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, जो एक महान मूल्य है। यह कम से कम उनकी शिक्षा में सच है। इसके अलावा इतने सालों तक त्यानजू की प्रतिष्ठा के साथ यह देखने के बाद कि चीजें नहीं की जा सकती, दूसरे पक्ष को सीधे घुटने टेकने चाहिए। यहाँ तक अगर वह वीर के साथ किसी से मिलता है तो वह घूमेगा और मौके पर ही भाग जाएगा। कौन जानता है, तू ज़िवेन का भागने का कोई इरादा नहीं है और उन पर हंसने की हिम्मत करता है। विशेष रूप से यह उनके दिलों में सबसे दर्दनाक जगह बनाने के लिए हुआ, यानी उन्हें उत्तराधिकार में दो बार निर्वासित किया गया, जो एक बहुत बड़ा अपमान है। उनके प्रतिष्ठित स्वर्गीय परिवार स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक स्वामी दासों द्वारा दो बार निर्वासित किए गए थे। क्या इससे बड़ा कोई मजाक है? मानव, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में अपने दिमाग से बाहर हो। युवक ने यक्षिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो। क्या तुम पागल हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, ये ज़िवेन ने उपहास किया। ठीक समय पर मैं इस बारे में चिंतित था कि त्यानजू के विवरणों को कैसे जाना जाए। ठीक समय पर मैंने राजकुमारों के एक समूह को भेजा। बेहतर होगा कि तुम मुझे वह सब कुछ समझाओ जो तुम मुझे जानते हो, नहीं तो मैं तुम्हें जीने और मरने दूंगा। मरना? युवक की दुष्ट आत्मा उसकी भौहों के बीच में उछल कूद कर रही थी। वो यक्षिवेन से पूरी तरह से नाराज हो गया था। उसने एक बड़ी हथेली से ताली बजाई और सीधे यक्षिवेन की तरफ गिर गया। उसकी हथेली पर एक काला प्रकाश चमक रहा था और उसने उन नियमों को भी एकीकृत कर लिया जिनका उसने अभ्यास किया था। अगर इस हथेली पर चोट लग जाए तो देवता राजा भी बुरी तरह मर जाएंगे। अस्पष्ट रूप से इसमें वास्तव में सर्वनाश राजवंश की मार्शल आर्ट शामिल है। यह कहा जाना चाहिए कि सर्वनाश राजवंश स्वयं सर्वनाश राजवंश की एक शाखा है। ये ज़िवेन पहले सर्वनाश सम्राट के साथ लड़े थे, इसलिए वह मार्शल आर्ट के इसी स्रोत के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। सर्वनाश राजवंश की मार्शल आर्ट, ऐसा लगता है कि तुम्हें सर्वनाश राजवंश का राजकुमार होना चाहिए, ये ज़िवेन ने शांति से कहा। हम नहीं, तुम मनुष्य भी मेरे सर्वनाश राजवंश की प्रतिष्ठा को जानते हो। उस मामले में मुझे जल्दी से गिरफ्तार मत करो। वह दहाड़ता रहा और उसका बड़ा हाथ नीचे निशाना साधता रहा। यह हास्यास्पद है। सर्वनाश राजवंश क्या है? सर्वनाश सम्राट चला गया है। अगर आप रुके रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये ज़िवेन ने हंसते हुए कहा। फिर तलवार क्यूई का एक समूह उसके सिर पर उठने लगा, एक पल में बादलों को तोड़ दिया और एक पल में सर्वनाश राजवंश के राजकुमार के हमले को तोड़ दिया। तब बदियाकरण कम नहीं हुआ और उसने सीधे युवक को मौके पर ही काट डाला।